ये मुश्किल तरीन टॉपिक है। आप लोग कहोगे इससे क्या मुश्किल है? नहीं, मुश्किल तरीन नहीं है, आप लोग इससे ज्यादा मुश्किल समझ चुके हो। 12.2 बड़ी मुश्किल थी वो, तो अगर वो समझ लिए तो ये आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है, ये आप लोगों को इजी लगेगा। और टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जब पुरानी बुक में टॉपिक थे ना तो इसको बड़ा कैजुअल लेके समझाया जाता था, इस वाली बुक में बहुत सीरियस लेके इस टॉपिक को उन्होंने समझाया। और ये वो टॉपिक है जो मैं ई कैट का जब कोर्स करवाता हूँ ना तो बच्चे को नहीं समझ आ रहा होता, हालांकि मैंने काफी डिटेल में इनको 2 लेक्चर्स में सॉल्व करवाया है ई कैट में भी, लेकिन उनको टॉपिक समझ नहीं आता। मैंने कहा भाई पहली दफा पढ़ रहे हो ना इसलिए समझ नहीं आ रहा, अगर फर्स्ट या सेकंड में पढ़ा होता तो समझ आ जाता। तो ये पहली दफा आप लोग पढ़ रहे हो मसला हो सकता है, लेकिन जब दोबारा कभी पढ़ोगे ना तो फिर आपको बातें मजीद क्लियर होने लग जाएंगी। बच्चों देखो, जैसे आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8 मैंने पहले इसलिए पढ़ाया था क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे आके कॉन्सेप्ट लगेगा चैप्टर 8 का, और वो था इनवर्स फंक्शन। अगर आपको याद हो इनवर्स फंक्शन निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, बड़ा इजी तरीका था कि बिलफर्ज अगर आपके पास एक फंक्शन है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि फंक्शन है वाई इज इक्वल टू 2x+1, मतलब वाई की जगह एफ ऑफ एक्स भी आप लिख सकते हो, एक ही बात होती है कि फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x+1। तो सबसे पहला स्टेप मैंने बताया था एफ ऑफ एक्स की जगह वाई लिख देना, ये हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या देखा था, हम एक्स के लिए सॉल्व करते थे, तो एक्स के लिए सॉल्व करो, 1 को उधर ले जाओ, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। फिर मैंने बताया था तीसरा स्टेप इसका कि एक्स की जगह लिख दो एफ ऑफ इनवर्स वाई, ये आपके पास इनवर्स फंक्शन आ गया। लेकिन वेरिएबल हमें सेम करने थे तो मैंने कहा था वाई की जगह पे यहाँ पे एक्स पुट कर दो, ये आपके पास होता था ओरिजिनल फंक्शन, और इसका आप इनवर्स इस तरीके से निकालते थे। 2-3 स्टेप परफॉर्म करके आपके पास इनवर्स आ जाया करता था, ठीक है। वहां पे मैंने एक पॉइंट क्लियर किया था कि जितने भी बाइजेक्टिव फंक्शन है, अगर आप लोगों को याद हो बाइजेक्टिव फंक्शन वो होते हैं जो 1-to-1 भी हो और ऑन टू भी हो। अब ये पढ़ने की जरूरत नहीं कि 1-to-1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, उसका ऐसा लेना देना है नहीं। यहाँ पे जो मैं चीज बताऊंगा आपको पुराना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, तकरीबन नया ही आप लोग पढ़ोगे, लेकिन पुराना बस बता रहा हूँ जहन में रख लेना कि बाइजेक्टिव फंक्शन कौन से थे। मैंने बताया था जो 1-to-1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो मैंने बताया था जितने भी बाइजेक्टिव फंक्शन है ना उनका जब आप इनवर्स निकालोगे तो उनका इनवर्स भी फंक्शन होगा। जैसे बाइजेक्टिव फंक्शन था इसका इनवर्स, अगर आप देखो ये इनवर्स भी फंक्शन है, आप एक वैल्यू पुट करोगे तो एक ही आंसर आएगा। फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, जब एक इनपुट करो तो एक ही आउटपुट आना चाहिए। इसके बरक्स अगर आप इस वाले फंक्शन को देखो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब आप इसका इनवर्स निकालोगे और एक्स के लिए सॉल्व करोगे तो एक्स के लिए कैसे सॉल्व करोगे, आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे ना, तो ये हो जाएगा +-√y। फिर आप इसको लिखना एफ ऑफ इनवर्स वाई, वेरिएबल चेंज करना, वेरिएबल यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये फंक्शन था लेकिन इसका जो इनवर्स आया है वो इनवर्स फंक्शन नहीं है। क्यों? जब आप एक एक्स पुट करोगे आपके पास 2 वैल्यूज आएंगी, क्योंकि ये 1-to-1 फंक्शन नहीं था, ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। तो जब कोई फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है उसका जब आप इनवर्स निकालोगे तो उसका इनवर्स फंक्शन नहीं होता। तो तभी स्टेटमेंट दी थी मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 8 में कि जितने भी बाइजेक्टिव फंक्शन है उन्हीं का जो इनवर्स है ना वो फंक्शन है। सब फंक्शन का इनवर्स जो है वो फंक्शन नहीं होता, उसको आप रिलेशन बोल सकते हो, जैसे इसको रिलेशन आप बोलोगे फंक्शन नहीं बोलोगे, लेकिन जितने भी बाइजेक्टिव हैं उनका जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, फंक्शन होगा। सही है? अच्छा, इससे हम थोड़ा आगे मूव करते हैं, तो ये अपने पास लिख लेना, जो बाइजेक्टिव फंक्शन है उनका इनवर्स जो है वो पॉसिबल है, और इनवर्स पॉसिबल होने का मतलब कि जो इनका इनवर्स होगा उनका इनवर्स भी फंक्शन होगा, ये मतलब है इसका। अगर आप गूगल पे देखो लिखा आता है कि बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स आप निकाल सकते हो, तो बच्चे कहते हैं कि बाइजेक्टिव का इनवर्स निकाल सकते हैं, बाकी का भी तो हम इनवर्स निकाल सकते हैं। तो गूगल का मतलब ये है कि बाइजेक्टिव का इनवर्स निकाल सकते हो इस तरीके से कि उसका इनवर्स भी फंक्शन आएगा, बाकी का इनवर्स फंक्शन नहीं आएगा। निकाल तो सकते हो आप सबके इनवर्स लेकिन उनके इनवर्स फंक्शन नहीं आएंगे, ये मतलब होता है जुमले का, कि बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है मतलब उसका इनवर्स जो है वो फंक्शन होता है, बाकी किसी का नहीं होता। अब थोड़ा आगे मूव करते हैं, अगर आप इनवर्स की बात करो ना, अच्छा इनवर्स का निकालने का एक और तरीका भी होता है। वैसे जैसे हमने ये स्टेप्स पढ़े थे ना कि आप इस फंक्शन को एक्स के लिए सॉल्व करते थे, फिर जब एक्स की वैल्यू आ जाए करती थी फिर वेरिएबल आप एंड पे चेंज किया करते थे, एक और मेथड होता है कि आप सवाल के शुरू में ही वेरिएबल चेंज कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर यही सवाल है ना मेरे पास एक गिवन हो, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की जगह वाई लिखूंगा और मैं यहीं पे वेरिएबल चेंज कर दूंगा, मैं एक्स की जगह वाई लिख दूंगा, वाई की जगह एक्स लिख दूंगा, इस तरीके से। तो जो आप एंड पे वेरिएबल चेंज करते थे वो शुरू में ही चेंज कर रहे हैं, एक ही बात है, कोई मसला नहीं है। तो एक्स और वाई की जगह वेरिएबल चेंज कर दिए, उसके बाद आपने वाई के लिए सॉल्व करना है, तो जरा वाई के लिए सॉल्व करो, 1 को उधर ले जाओ, फिर वाई की वैल्यू आ जाएगी एक्स -1/2, और वाई की जगह पुट कर दो एफ ऑफ इनवर्स एक्स, एक्स -1/2।
तो इस सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन में फर्क ये है कि इसके बाद आप स्टेप लिखा करते थे एफ ऑफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस वन अपॉन टू, फिर आप क्या करते थे वाई की जगह एक्स लिख दिया करते थे, मतलब एंड पे आप वेरिएबल चेंज करते थे, जबकि इस मेथड में आपको बोला जाता है कि शुरू में इंटर चेंज कर दो आप, जहां एक्स है वाई की पोजीशन को आप चेंज कर दो, तो आंसर आपके पास सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं होगा, एक ही बात है इसके, ठीक है। तो अगर ये कहीं आप देखो ना, तो इसको भी ध्यान में रख लेना कि शुरू में या बाद में कभी भी आप चेंज कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, ये मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूँ जो बेसिक आपको पता हो तो ये टॉपिक समझ आएगा, डायरेक्ट आपको बताने लग जाऊंगा तो फिर वो ऊपर से निकल जाएगा, बाउंसर हो जाएगा आप लोगों का। अच्छा, तो ये हो गया, उसके बाद हम निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स। असल तो बात हो रही है ना इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो जरा उसका निकालते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम आज की क्लास में साइन एक्स की बात करते हैं, सबकी तो इनशाला कल ही बात होगी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, अगर आप इसका इनवर्स निकालने की कोशिश करते हो, एफ ऑफ एक्स की जगह वाई लिख दो, अब आप इस मेथड से सॉल्व करना चाह रहे हो इससे सॉल्व कर लो, दूसरे सॉल्व करना चाह रहे हो दूसरे से कर लो, एक ही बात है, हम इसी से सॉल्व करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं। अब एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो जब आपके पास ये साइन जो है ना ये ऑपरेटर है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये लिखा होता है ना वाई इज इक्वल टू टू एक्स, सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका होता था कि भाई अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, टू मल्टीप्लाई है ना, तो मैं दोनों तरफ टू से डिवाइड कर दूंगा, कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी वाई अपॉन टू। या आप उस वक्त करोगे जब जो आप निकालना चाह रहे हो ना उसके साथ कोई नंबर लिखा हुआ है या कोई वेरिएबल लिखा हुआ हो, लेकिन यहाँ पे एक्स के साथ कोई नंबर या कोई वेरिएबल नहीं है, एक्स के साथ यहाँ पे ऑपरेटर लिखा हुआ है। बहुत अच्छे पहले बताया था बच्चों का ना ये मैथ के अंदर ऑपरेटर का नहीं मतलब पता होता, ये जितने आप फंक्शन पढ़ते हो साइन इसी तरह लॉगरिथमिक ये सब ऑपरेटर्स कहलाते हैं जो फंक्शन पे ऑपरेट होते हैं, किसी नंबर के ऊपर ऑपरेट हो रहे होते हैं, इसी तरह एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये सब ऑपरेटर है। तो यहाँ पे एक्स के साथ ऑपरेटर लिखा हुआ है, तो आप ये काम नहीं कर सकते कि इक्वेशन को दोनों तरफ से साइन से डिवाइड कर दो, ये फेसबुक पे मीम होते थे इस टाइप के, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा वाई की वैल्यू आ जाएगी वाई अपॉन साइन, मतलब ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर इस तरह थोड़ी ना आप डिवाइड करते हैं, नहीं बनती इस बात की। तो दैट्स वाई अगर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है और अगर इसके साथ ऑपरेटर लिखा हुआ है तो हम क्या काम करते हैं, ऑपरेटर को हटाना है ना, हमारा मकसद है एक्स की वैल्यू निकालना और ऑपरेटर को हटाना, तो ऑपरेटर को हटाने के लिए आप उसका इनवर्स ऑपरेटर लाते हो, सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, और कोई इसमें नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इसको इस तरह समझ लो कि अगर लिखा हुआ है एक्स प्लस टू इक्वल टू फाइव प्लस लिखा हुआ है, आप हटाना चाह रहे हो उसको, इसका इनवर्स ले आओ, प्लस का इनवर्स क्या होता है नेगेटिव, आप क्या करो आप इक्वेशन में माइनस टू कर दो दोनों तरफ, तो प्लस को आपने कैसे एलिमिनेट किया माइनस लाके, इनवर्स ऑपरेटर ले आया आप उसका, अब यहां से एलिमिनेट हो जाएगा और एक्स की वैल्यू थ्री आ जाएगी। तो ऑपरेटर को अगर आपने एलिमिनेट करना है तो आप उसका इनवर्स ले आओ, हटा दो उसको रास्ते से, तो वही काम करेंगे। अगर यहाँ पे साइन लिखा हुआ है और साइन को आप हटाना चाह रहे हो, आप दोनों तरफ साइन का इनवर्स ऑपरेटर ले आओ। अब साइन के इनवर्स ऑपरेटर क्या होते हैं, लिखने का तरीका क्या होता है, उसको हम इस तरीके से लिखते हैं साइन इनवर्स। अगर आपके पास सिंपल साइन लिखा हुआ हो ये साइन ऑपरेटर है, और अगर साइन के ऊपर माइनस वन लिखा हो तो ये इनवर्स साइन है, इसको आप पढ़ोगे साइन और इसको आप पढ़ोगे इनवर्स साइन। जैसे आपने लॉग पढ़ा था ना, अगर आपको याद हो एक होता था लॉग, इसका इनवर्स को क्या बोलते थे आप लोग, लॉग के इनवर्स को क्या बोलते थे, इतना मशहूर नाम है लॉग को हटाने के लिए क्या करते थे, हाँ एंटी लॉग लेते थे सिंपल। तो ये सब काम आप लोग वहां पे भी करते थे, बस तरह सोचते नहीं थे आप लोग कि लॉग कटाने के लिए आप दोनों तरफ एंटी लॉग लेते थे इसका इनवर्स ऑपरेटर। तो वही काम करेंगे, जो साइन है ना जिसको आप लिखते हो एस आई एन, इसका इनवर्स ऑपरेटर को हम कैसे लिखते हैं साइन इनवर्स। बच्चों में बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, वो समझते हैं माइनस वन पावर है, जैसे अभी आप लोग पढ़ोगे साइन इनवर्स एक्स, इसी लेवल पे सीख जाओ, बाद में सीखोगे मसला होगा गलतियां करोगे, कहीं अगर आपको नजर आए ना साइन इनवर्स एक्स, सबसे पहली बात इसको कभी इस तरह नहीं पढ़ना साइन की पावर माइनस वन एक्स, ये माइनस वन यहाँ पे पावर नहीं है, ये इनवर्स को लिखते हैं इस तरीके से। अगर आपको याद हो ये माइनस वन यहाँ पे पावर थी क्या, इनवर्स ये तो नोटेशन है पूरी, मतलब आप इस स्टेप के बाद ये माइनस वन लिखते थे इसके बाद, तो ये माइनस वन इनवर्स को रिप्रेजेंट करता था, ये यहाँ पे कोई पावर नहीं है। कहीं अगर आप देखो इस तरह लिखा हुआ है एफ ऑफ इनवर्स एक्स, तो आप इसको ये नहीं लिख देना कि भाई ऊपर वो नेगेटिव है नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे, क्योंकि ये है नॉर्मल फंक्शन जबकि ये है इनवर्स, कैसे आप इस तरह लिख सकते हो। तो जहन में रखो ये माइनस वन पावर नहीं होती यहाँ पे, माइनस वन ये एक नोटेशन है इनवर्स की, इसको नोटेशन समझो आप, ठीक है।
तो अगर कहीं इस तरह लिखा हुआ है ना साइन इनवर्स, सबसे पहले इसको माइनस वन पावर नहीं बोलना, ठीक है? इसको आप बोलोगे किस तरह, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स कहलाता है। तो कभी भी इसको इस तरह नहीं लिख देना कि साइन इनवर्स ऊपर जाके नेगेटिव है, नीचे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसकी पावर वन है, ऊपर पावर नेगेटिव थी, अब इसकी पावर वन होगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा, ये ध्यान में रखना आपको, ये चीज कभी भी इसके बराबर नहीं होगी। तो अभी से ध्यान में क्लियर कर लो, ये माइनस वन नोटेशन में आता है, ये पावर नहीं है। हाँ, अगर कहीं पावर आएगी ना तो इस तरह आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको साइन इनवर्स की पावर दी जाए तो वो इस तरह दी जाएगी। अब ये टू यहां पे पावर है, ठीक है? और यहां पे अलजेब्रा का रूल नहीं लगा देना कि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती है, माइनस वन को आप टू से मल्टीप्लाई कर दो। अगेन वही बात कि माइनस वन पावर नहीं है, ये जस्ट इनवर्स की नोटेशन है। इसको आपने वैसे ही ट्रीट करना है, इसको पावर ट्रीट नहीं करना। ये इतनी बड़ी कंफ्यूजन है कि मैं आप लोगों को भी समझा नहीं सकता, बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। तो बेहतर ऐसी लेवल पे सीख जाओ, बाद में फिर गलतियां करोगे। तो खैर, दोबारा टॉपिक पे आ जाओ कि जो साइन फंक्शन है इसका जो इनवर्स है उसको आप किस तरह लिखते हो, साइन इनवर्स। और इसको एक और नोटेशन भी है, इस तरह भी आप लिख सकते हो और इस तरह भी लिख सकते हो, आर्क साइन, दोनों नोटेशन है। एक होती है साइन इनवर्स, इस तरह लिखो, या आप लिखो आर्क साइन। आर्क साइन का भी मतलब क्या है, साइन का इनवर्स। तो अब जो भी नोटेशन आपके पास लिखी हो, साइन इनवर्स एक्स लिखा हो या इसी चीज को, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं आर्क साइन एक्स। अब यहां पे देखो साइन एक्स नजर आ रहा है आपको, लेकिन सिर्फ साइन एक्स को नहीं आप पढ़ोगे, ये पूरा ऑपरेटर है यहां पे। यही तो मसला है कि बच्चे ना यहां पे समझते नहीं ऑपरेटर होती क्या चीज है। ये पूरा आर्क साइन यहां पे ऑपरेटर है, ये पूरी चीज ऑपरेटर है आर्क साइन। इसका इनपुट क्या है, एक्स। चीजों को गौर से समझना, ये साइन एक्स नहीं लिखा हुआ कि साइन एक्स को मैंने आर्क से मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, ये ऑपरेटर है पूरा आर्क साइन, पूरा ऑपरेटर है जिसका इनपुट क्या है यहां पे, एक्स है। तो यही चीज साइन, मतलब इस साइन इनवर्स की जगह, ये जो साइन इनवर्स है ना, इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, आर्क साइन। सेम ही नोटेशन है, एक ही बातों को फर्क नहीं, नोटेशन का फर्क है बस। ये साइन इनवर्स इस तरह लिखो या आर्क साइन लिखो, एक ही चीज को रिप्रेजेंट करेगा। कैलकुलेटर में आपको ये वाला सिंबल नजर आता है, लेकिन बुक में भी आपके मेंशन है और कहीं जगह पे ये वाला सिंबल आपको नजर आ रहा होता है। तो आपको पता होना चाहिए, आर्क साइन भी लिखा जाता है किसी सॉफ्टवेयर में ना, इसको इस तरह लिखा जाता है ए साइन। तो समझ जाना ए साइन का मतलब भी वो साइन इनवर्स की बात ही कर रहा है। पहले तो इन बातों को हजम कर लो जो बताइए। कोई कंफ्यूजन है यहां तक किसी को? अच्छा, तो अब आपने यहां पे साइन को हटाना है ना, आप दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लो। यहां पे भी मैंने साइन इनवर्स ले लिया, यहां पे भी मैंने साइन इनवर्स ले लिया। साइन और साइन इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स वाई बराबर है एक्स के। जब आप एक्स की वैल्यू निकाल लिया करते थे इनवर्स के अंदर, इसको इस तरह लिख दो, एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। जब आप एक्स की वैल्यू निकाल लिया करते थे, आप इसकी जगह क्या लिखते थे, एफ ऑफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू जो भी फंक्शन है, यहां पे फंक्शन है साइन इनवर्स वाई, ठीक है? और फिर आपसे वो वेरिएबल चेंज कर दिया करते थे, तो ये भाई आपके पास इनवर्स आ गया। तो ये वो स्टेप्स हैं जिसके तहत साइन का जो आप इनवर्स निकालते हो वो क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। इस तरीके से आप इसको लिखते हो। अगर आप बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगाओ ना जो आपने इनवर्स फंक्शन का पढ़ा था, तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप इस नतीजे पहुंचोगे कि जो साइन एक्स फंक्शन है इसका इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है। इस तरीके से आप निकालते हो, नोटेशन भी देख लिया आपने, प्रॉपर हर चीज समझ ली है। तो ये जो इनवर्स इसका फंक्शन है ना साइन इनवर्स एक्स, इसको ये वाली नोटेशन में भी आप लिख सकते हो, या इसकी जगह वाई भी आप लिख सकते हो ना, इस तरह भी कह सकते हो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ये फंक्शन है वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका इनवर्स क्या होगा, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब इन दोनों में फर्क है, यहां पे एक्स क्या होता है, यहां पे एक्स एंगल होता है। जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, आप उनके अंदर एंगल पुट करते हो ना, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60, और रिजल्ट में आपको वैल्यू मिलती थी। जैसे आपने यहां पे एंगल पुट किया तो रिजल्ट पे जो आपको वाई था वो आपको वैल्यू मिलती थी 1, 0.5, 0.25। लेकिन इनवर्स में आप यहां पे वैल्यू पुट करते हो, क्योंकि उल्टा हो गया ये। अगर आपको याद हो तो मैंने इनवर्स के अंदर बताया था कि डोमेन जो नॉर्मल फंक्शन है वो इनवर्स की रेंज बन जाती है, और जो रेंज होती है फंक्शन की वो इनवर्स की डोमेन बन जाती है। जैसे इसकी डोमेन में आप इनपुट में एंगल पुट करते थे, यहां पे जो आउटपुट आएगा वो एंगल होगा, इनपुट एंगल था, यहां पे जो आउटपुट है वो एंगल आएगा। इसी तरह इसके आउटपुट में आपको वैल्यू मिलती थी, जबकि इसके इनपुट में आप वैल्यू पुट करोगे। आप लोगों को फर्क बता देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। जैसे कैलकुलेटर में आप पुट करोगे साइन 30 डिग्री, जब भी आप कैलकुलेटर का में साइन का बटन दबाओगे तो आपको उसके बाद एंगल पुट करना होगा। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर में साइन इनवर्स का बटन दबाओगे तो आपको कोई वैल्यू पुट करनी पड़ेगी,
फॉर एग्जाम्पल आपने 1/2 पुट कर दिए, अब इनके इनपुट में फर्क है, यहां पे आप एंगल पुट कर रहे हो जबकि इनवर्स के अंदर आप कोई वैल्यू पुट करते हो। इस वाले केस में आपको कोई वैल्यू मिलेगी, साइन 30 का आंसर क्या होता है 1/2 मिलता है, जबकि इसके आंसर में आपको एंगल मिलेगा 30 डिग्री, इनवर्स है ना। जो इसका इनपुट था वो यहाँ पे आउटपुट है, जो इसका आउटपुट है वो यहाँ पे इसका इनपुट है, क्योंकि इनवर्स है एक दूसरे के। तो जहन में रखो कि किस में आपने एंगल पुट करना होता है और किस में आपने वैल्यू पुट करनी होती है। आमतौर पर टीचर्स और बच्चे भी यही आमतौर पर, हालांकि उनको टीचर्स को पता होता है मतलब, लेकिन वो बस जुबान पे जो चीज चढ़ी हुई होती है वो बोलते हैं कि साइन इनवर्स के अंदर हम क्या एंगल पुट करेंगे 1/2। तो बच्चे बोलते हैं हमने 1/2 एंगल पुट किया, वो एंगल नहीं है वो वैल्यू है, फर्क समझो कि इनवर्स के अंदर आप एंगल नहीं पुट करते। तो टीचर बोल रहे होते 1/2 एंगल पुट किया हमने, तो एंगल का वर्ड नहीं अच्छा, एंगल इसमें पुट करते हो, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे और आंसर में आपको एंगल मिलेगा। तभी जब आप कैलकुलेटर में लिखोगे ना साइन इनवर्स 1/2, तो कैलकुलेटर 30 डिग्री आंसर दे रहा होगा, तो एंगल मिला ना आपको आंसर में। तो पुट आपने वैल्यू की, आंसर में आपको मिला एंगल। बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि ये चीजें आपकी पक्की हो जाए, आगे जाके आप लोगों को मसले ना हो इसमें। यहां तक हमने पढ़ लिया, मजीद थोड़ा आगे चलते हैं, कितना टाइम रह गया? ज्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तुम लोग दिमाग खराब हो जाएंगे तुम लोगों के, मैं चाह रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता ही अब्सॉर्ब करो सब चीजों को। अच्छा जी, तो मैंने क्या बता दिया, इनवर्स बता दिया, साइन इनवर्स बता दिया। एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो हाँ वहीं पे बता देता हूँ मैं। वो ये है कि जैसे बुक में लिखा हुआ है कि वाई बराबर होता है, मतलब अगर आप बुक में देखो ना लिखा हुआ है कि जो फंक्शन है वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका इनवर्स क्या होता है y is equal to sin inverse x। तो इस इनवर्स को आप थोड़ा डिफरेंट अंदाज में भी लिख सकते हो कि साइन इनवर्स, इसको जुगाड़ के तौर पे ना टीचर ऐसे बताते हैं और मैं भी ऐसे ही बताता हूँ, ऑब्वियसली समझने में थोड़ी आसानी होती है कि यहाँ पे जो मैंने दोनों तरफ साइन इनवर्स अप्लाई किया ना, ये प्रॉपर मेथड है इसका, लेकिन इसकी जुगाड़ भी है। इसकी जुगाड़ क्या, अगर लिखा हुआ ना y is equal to sin x, तो हम क्या बोलते हैं कि साइन को आप इधर ले जाओ वो इनवर्स हो जाएगा जाके, साइन है आप इसको इधर ले जाओ तो ये इनवर्स हो जाएगा। तो इसकी जुगाड़ इस तरह बताई जाती है, लेकिन असल में मैथमेटिकल स्टेप्स क्या है कि आपने दोनों तरफ इनवर्स अप्लाई किया, यहाँ पे इनवर्स और नॉर्मल कैंसिल, तो आपके पास x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y है। असल इसका मेथड ये होता है बताने का भारत। तो कहने का मतलब है कि जो आपके पास इनवर्स आया ना, आप वही बात साइन इनवर्स को उधर लेके भी जा सकते हो। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू साइन y। ये इक्वेशन काफी काम की है, हाँ काफी मजा आएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला जाए ना कि साइन इनवर्स निकालो 1/2, मतलब आपको y निकालना है और आपके पास गिवन क्या है साइन इनवर्स 1/2। अब आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप पता क्या करो, सिंपल साइन इनवर्स को उधर ले जाओ, फिर जाएगा साइन वाई, और आप ढूंढो ऐसे कौन से एंगल के ऊपर, ऐसे कौन सी वाई वैल्यू पे आपको आंसर 1/2 मिलता था, मतलब साइन के अंदर आप ऐसा क्या पुट करते थे कि आपको आंसर में 1/2 मिलता था। तो आप कहोगे यार 30 डिग्री, मैं साइन के अंदर 30 पुट करता था। तो कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पे 30 पुट करूंगा तो आंसर 1/2 आएगा। तो कहने का मतलब वाई वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई कि y वैल्यू क्या है 30, और सवाल में आप 30 पुट कर दोगे जाके। तो कहने का मतलब इस इक्वेशन में आप साइन को इधर लेके, साइन इनवर्स को इधर ले आओगे तो सिंपल साइन हो जाएगी, तो यहां से x बराबर हो जाएगा साइन y के। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वही तो आप काम कर रहे हो, साइन इनवर्स को आप इधर ले गए थे और फिर आप इसको सोचोगे कैसे कि ऐसा कौन सा मैं एंगल पुट करूं जिससे मुझे वैल्यू मिले 1/2। तो आप खुद सोचो, कैलकुलेटर आपके पास है, अंदाजा लगा सकते हो आप कि किस वैल्यू पे आपको 1/2 मिल रहा होता है, किस एंगल पे, आसानी से कर सकते हो। तो अगर y बराबर है साइन इनवर्स x के, तो फिर x बराबर होगा लाजमी साइन y के। अगर ये चीज होगी ना तो ये चीज होगी, अगर x बराबर है साइन y के, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस इक्वेशन को देखो, ये चीज है, तो अगर इस इक्वेशन को, जैसे ये साइन इनवर्स y था ना, ये इक्वेशन थी, तो आपने क्या किया साइन इनवर्स को इधर ले गए, तो अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है ना तो y की वैल्यू यहां पे भी सेटिस्फाई करेगी। तो अगर आप देखो यहां पे y की वैल्यू 30 डिग्री सेटिस्फाई कर रही है, मतलब y आपको यहां पे 30 मिल रहा है, तो आप यहां पे y 30 पुट कर दोगे, मतलब साइन इनवर्स 1/2 30 होता है। तो लाजमी है कि अगर x बराबर होगा साइन y के, तो ही साइन इनवर्स x बराबर होगा y के। तो ये थोड़ी इक्वेशन लिखी हुई है बुक में, ये अभी काम आएंगी, लिखा हुआ था मैंने कहा आप लोगों को बता, तो ऐसे बहुत ज्यादा काम नहीं है लेकिन बुक में मेंशन है, तो बाहर छोटी छोटी चीजें भी आप लोगों को बतानी चाहिए। देखो बच्चों, कल की क्लास में जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मुश्किल टॉपिक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हमने कल बेसिक बातें पढ़ी थी, वो मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले हमने सीखा था एक फंक्शन होता है, आपने उसका इनवर्स निकालना होता है, चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक था ये, तो किसी फंक्शन का आप इनवर्स कैसे निकालते हो। उसके बाद हमने देखा कि इनवर्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनकी नोटेशन क्या होती है, जैसे साइन है इसके इनवर्स को आप साइन इनवर्स मतलब
माइनस वन लिख देते हो आप, वो पावर नहीं होती, वो इनवर्स की नोटेशन होती है। इसी तरह एक और नोटेशन होती है कि आर्क साइन लिख दो आप, ये भी एक नोटेशन होती है इनवर्स की। तो ये बेसिक बातें हमने कल पढ़ी थी। इसी तरह एक और बात मैंने आप लोगों को कल बताई थी, इसको भी ध्यान में रखना, कि जो आपके ये चैप्टर नंबर 8 के टॉपिक है कि जो आपके फंक्शन की डोमेन है वो इनवर्स की रेंज होती है, और जो आपके फंक्शन की रेंज है वो उसके इनवर्स की डोमेन होती है, मतलब अपोजिट होता है पूरा ये। उसके बाद एक और पॉइंट कल डिस्कस हुआ था कि जितने भी बाइजेक्टिव फंक्शन है अगर आप उनका इनवर्स निकालते हो ना तो उनका इनवर्स ही फंक्शन होता है, बाकी सबका इनवर्स जो है वो फंक्शन नहीं होता, वो रिलेशन होता है। ये बातें हम कल डिस्कस कर चुके थे। ये बातें अगर आपको पता है तो फिर नेक्स्ट टॉपिक समझ आएंगे, ये अगर नहीं समझ आएगी बात तो फिर आगे की बातें समझ नहीं आएंगी। अब जरा हम इनवर्स के बारे में पढ़ते हैं, कल जो इनवर्स साइन की सबसे पहले बात करते हैं फिर बाकी फंक्शन पे भी आ जाते। अच्छा, कल मैंने एक और बात आप लोगों को बताई थी कि जो नॉर्मल साइन फंक्शन होता है उसमें क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लिखा हुआ है वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, तो यहाँ पे जो आपने एक्स पुट करना है वो आपने एंगल पुट करना है, और जो आपको आंसर मिलेगा वो कोई रेशो मिलेगा जिसको मैंने वैल्यू का नाम दिया था। रेशो इन द सेंस, अगर आपको याद हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो एंगल को रिलेट करवाते हैं रेशो से ना, रेशो मतलब राइट ट्रायंगल की, जैसे साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बिल्कुल, अगर आपके पास आ रहा है साइन 30 डिग्री और इसका आंसर है 1/2, इसका मतलब जिस राइट ट्रायंगल की बात की जा रही है उसमें जो परपेंडिकुलर है और 1 है और जो हाइपोटेन्यूज है वो 2 है। तो कहने का मतलब जब साइन या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप एंगल पुट करते हो तो आंसर में आपको रेशियो मिलता है, मतलब एक वैल्यू मिल रही होती है आपको, कि 1/2 मतलब 0.5 एक वैल्यू आपको मिल रही होगी सिंपल एंगल। तो इनपुट आपका होता है एंगल और जो आउटपुट होता है वो आपको एक वैल्यू एक रेशियो मिल रहा होता है। लेकिन अगर आप इनवर्स की बात करोगे तो जाहिर सी बात है, मैंने बताया इनवर्स में हर चीज उल्टी हो जाती है। इनवर्स फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लिखा हुआ है वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो आप इसमें एक्स जो है ना ये आपका हो जाएगा रेशियो, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी, कि इनवर्स में जो आप इनपुट करते हो ना वो कोई वैल्यू पुट करते हो, रेशो पुट करते हो आप, और रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट में आपको एंगल मिलेगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अपोजिट होता है ना, जो यहाँ पे इनपुट है वो यहाँ पे आउटपुट है, जो यहाँ पे आउटपुट है वो यहाँ पे इनपुट है। तो ये बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए कि इनवर्स के अंदर आप एंगल भी पुट करते हैं। ये टीचर्स भी आमतौर पर वो समझाने के चक्कर में वो बोल देते हैं कि हमने साइन इनवर्स के अंदर 1/2 एंगल पुट किया है, वो एंगल नहीं है, एंगल तो आप मालूम कर रहे होते हो, आप वैल्यू या रेशो पुट करते हो इनवर्स के अंदर और रिजल्ट में आपको एंगल मिलता है। मजीद डिस्कशन करने से पहले एक मिस्टेक जो बच्चे कैलकुलेटर में बहुत करते हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर आपने कैलकुलेटर में निकालना है साइन 30 डिग्री तो कैलकुलेटर आपका डिग्री के अंदर होना चाहिए, तो आपको करेक्ट वैल्यू मिलेगी 1/2। अगर आपने पुट किया साइन 30 डिग्री, मतलब कैलकुलेटर में आपने साइन का बटन दबाया और उसके बाद 30 पुट किया, क्योंकि डिग्री तो पुट नहीं करते ना कैलकुलेटर में, तो आप ये पुट करते हो। बंद कर लो। अच्छा, जब आप कैलकुलेटर में साइन का बटन दबाते हो तो कैलकुलेटर में क्या आता है, साइन एक ब्रैकेट आती है, उसके बाद आप पुट करते हो 30 और ब्रैकेट क्लोज करते हो, कोई डिग्री तो यहाँ पे पुट नहीं करते ना, लेकिन आपके जहन में आपने क्या पुट किया, डिग्री में पुट किया, कैलकुलेटर भी इसको डिग्री में लेगा तो आंसर आपको एक्यूरेट मिलेगा। लेकिन अगर कैलकुलेटर रेडियन में आंसर निकालना चाह रहे हो डिग्री के मुताबिक, लेकिन कैलकुलेटर इसको ट्रीट करेगा 30 रेडियन, 30 रेडियन के हिसाब से आंसर देगा, जो कि गलत होगा, क्योंकि आप डिग्री के हिसाब से आंसर निकालना चाह रहे हो, कैलकुलेटर उसको रेडियन में ट्रीट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आप एंगल डिग्री में पुट कर रहे हो तो कैलकुलेटर भी डिग्री के अंदर हो, अगर नहीं होगा तो आंसर गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर आप अपना जो एंगल है वो रेडियन के अंदर पुट कर रहे हो तो कैलकुलेटर भी रेडियन के अंदर होना चाहिए, अगर वो डिग्री के अंदर हुआ तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। लेकिन जो इनवर्स होते हैं ना उसमें गलत का कॉन्सेप्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपने कैलकुलेटर में बटन दबाया साइन इनवर्स का, कैलकुलेटर में ये चीज आ जाएगी, फिर आप पुट करोगे कोई वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1/2 पुट की, अब इसमें गलत का कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगर आपका कैलकुलेटर डिग्री में तो ये आपको आंसर डिग्री में दे देगा, अगर बिल्फर्ज आपका कैलकुलेटर रेडियन के अंदर है तो ये आपको आंसर रेडियन के अंदर दे देगा। तो इनवर्स के अंदर ना गलत नहीं आंसर आ सकता आपका, अगर आपने वैल्यू, क्योंकि वैल्यू आप पुट कर रहे हो ना, एंगल पुट नहीं कर रहे आप, अगर आपने वैल्यू पुट की आपका कैलकुलेटर डिग्री में तो आंसर आपको डिग्री में मिल जाएगा, और अगर आपका कैलकुलेटर रेडियन में तो आंसर आपको रेडियन में मिल जाएगा। तो साइन इनवर्स में गलत आंसर का कोई मसला नहीं है, लेकिन नॉर्मल जो फंक्शन है उसमें हो सकता है कि अगर आपने एंगल डिग्री में तो भाई कैलकुलेटर भी डिग्री में होना चाहिए, एंगल रेडियन में तो कैलकुलेटर भी रेडियन में होना चाहिए। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे कर रहे होते हैं, इससे आप लोगों ने परहेज करना है। अब आगे आ जाओ। अब फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ कि अगर आपके पास लिखा हुआ हो, बहुत दफा अभी मैंने एग्जाम्पल डिस्कस किए
कि साइन इनवर्स 1/2 लिखा हुआ। अब ये साइन इनवर्स ये आपसे मांग क्या रहा है, आपने इक्वेशन से ना बात करना सीखनी है, आपने सीखना है कि यार वो इक्वेशन आपसे मांग क्या रही है। अगर जब आप ये सीख लोगे ना तो मैथ आपके लिए इजी हो जाएगी। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉर्मल स्टूडेंट के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन जो मैथ वाकई सीखता है वो इक्वेशन से बात करता है कि इक्वेशन आपसे पूछ रही है कि मुझे एक्स की वैल्यूज ढूंढ के बताओ जो मैं पुट करूं और मेरा पूरा आंसर जीरो के बराबर हो जाए। तो फिर आप वो इक्वेशन को सॉल्व करते हो, एक्स की वैल्यूज निकालते हो। इसी तरीके से अगर ये इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है तो आपने इससे बात करनी, इससे बात क्या करनी है कि इक्वेशन क्या कह रही है। ये इक्वेशन कह रही है कि ऐसा कौन सा एंगल था जिसपे वैल्यू 1/2 है, कौन सा एंगल जिसपे साइन की वैल्यू क्या है 1/2 है। तो आपने मालूम करने ऐसे एंगल जिसपे साइन की वैल्यू 1/2 होती है। तो एक आंसर तो मैंने बहुत दफा आप लोगों को बताया 30 डिग्री, जिसको रेडियन में आप लिखते हो पाई बाय 6। साइन इनवर्स 1/2 का आंसर क्या होगा, पाई बाय 6, क्योंकि रेडियन में, चलो डिग्री में बात कर लेते हैं अभी, कि जब आप साइन 30 डिग्री पुट करते हो तो आंसर 1/2 मिलता है ना। तो साइन इनवर्स 1/2 का मतलब क्या है कि ऐसा कौन सा एंगल है जिसपे साइन की वैल्यू 1/2 है। तो आप कहोगे 30 डिग्री, कि 30 डिग्री पे साइन की वैल्यू 1/2 होती है। लेकिन यहां से मसला स्टार्ट, क्या ये वाहिद एंगल है जिसपे साइन की वैल्यू 1/2 होती है? आप लोग में से किसी को कोई ऐसा एंगल याद है जिसपे एक और एंगल हो और उसपे साइन की वैल्यू 1/2 हो? कोई और एंगल किसी को पता है? 390 भी आप बना सकते हो, लेकिन 150, वो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में यूनिट सर्किल का बताया था ना, कि अगर 30 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, ये हाइट है, साइन का मतलब क्या होता है, वाई वैल्यू, ये पूरी वाई वैल्यू है। तो सेम यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना उसकी भी वाई वैल्यू यही है। अगर ये 30 डिग्री बन रहा है तो ये हो जाएगा 150। कैलकुलेटर में पुट करके देख लो, साइन 30 डिग्री भी 1/2 होता है, साइन 150 भी 1/2 होता है। तो यहां से आपने क्या सीखा यार, इसका आंसर यूनिक तो नहीं है, इसके आंसर में तो 150 भी आ सकता है। अच्छा, फिर एक स्टूडेंट ने बताया 390, तो लिखते जाओ 390 भी आप लिख लो। 390 कैसे आया, 30 के अंदर 360 ऐड कर दिया। इसी तरह 150 के अंदर अगर आप 360 ऐड करो तो ये हो जाएगा 510 डिग्री, इस पे भी साइन की वैल्यू 1/2। कहने का मतलब इस तरह तो आंसर आते जाएंगे, आपने इनपुट 1/2 किया और आउटपुट आपको कितने ज्यादा मिल रहे हैं तो नहीं होता। ये फंक्शन की तो बेसिक डेफिनेशन चैप्टर 8 में पढ़ी थी कि अगर एक इनपुट कर रहे हो तो एक ही आउटपुट आना चाहिए, ये बेसिक डेफिनेशन थी फंक्शन की। यहां पे आपने इनपुट किया 1/2 और आउटपुट देखो कितने आ रहे हैं, ये तो मैंने 4 लिखे हैं, आप इनफाइनाइट आउटपुट बना सकते हो। यहां पे मसला आ गया। तो इसका मतलब आप इसको इनवर्स साइन फंक्शन नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि फंक्शन में तो एक इनपुट में एक ही आउटपुट आना चाहिए, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, ये तो रिलेशन है। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, इनवर्स साइन रिलेशन। अब मुझसे ऐसा देखा नहीं जा रहा, मतलब मैं चाह रहा हूं कि ये फंक्शन बने, मैं चाह रहा हूं कि इनवर्स साइन फंक्शन एग्जिस्ट करे। अभी ये फंक्शन नहीं है क्योंकि कितने ज्यादा आउटपुट आ रहे हैं, तो मेरी कोशिश होगी मैं इसको किसी तरह फंक्शन बना दूं। अब इनवर्स फंक्शन कैसे बनेगा, सिंपल, मैंने कल एक कॉन्सेप्ट दिया था आप लोगों को कि अगर आपका जो फंक्शन है अगर वो बाइजेक्टिव है तो जो उसका इनवर्स होगा वो भी फंक्शन होगा। आपको पता है साइन एक्स बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, मैं फॉर एग्जाम्पल देता हूं आपको, ये साइन का ग्राफ है ना, मैंने बहुत आसानी से आप लोगों को क्लियर किया था। वैसे ये तो 1:1 की निशानी होती है, लेकिन आप इसको बाइजेक्टिव में भी शुमार कर सकते हो, कि जो भी बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं ना वो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को पास करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या कहता है, कि अगर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है वो एक ही पॉइंट को क्रॉस करे। यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल लाइन कितने पॉइंट को क्रॉस कर रही है, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव नहीं है, ये बाइजेक्टिव है। ये ग्राफ होता है एक्स क्यूब का, ये बाइजेक्टिव है। आप देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही पॉइंट पर क्रॉस कर रही है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही पॉइंट पर क्रॉस कर रही है, तो ये बाइजेक्टिव है। इसका जब आप इनवर्स निकालोगे तो इसका इनवर्स भी फंक्शन आएगा, लेकिन ये बाइजेक्टिव नहीं है क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन कितने पॉइंट पर क्रॉस कर रही है इसको। तो इसका मतलब आप जब इसका इनवर्स निकालोगे तो इनवर्स फंक्शन नहीं आएगा, तो आपने देख लिया। तो अब हम इसका हल क्या निकालें, हम हल ये निकालेंगे कि हम साइन फंक्शन को ना तोड़ देंगे, साइन फंक्शन को हम तोड़ के किसी तरह बाइजेक्टिव बना देंगे। अब उस साइन फंक्शन को तोड़ना कैसे, हर फंक्शन को आप तोड़ोगे, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। आप क्या करोगे, आप उन फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, इसको हम कहते हैं डोमेन रिस्ट्रिक्ट करना। अभी आप देखो डोमेन सब रियल नंबर है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे भी है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी है। आप क्या करोगे, आप रिस्ट्रिक्ट कर दोगे किसी दो वैल्यूज के दरमियान, और वो रिस्ट्रिक्ट करने का मकसद ही क्या होगा, इसको बाइजेक्टिव बनाना, किसी तरह ये बाइजेक्टिव बन जाए ताकि इसका इनवर्स जो है वो क्या बन जाए, फंक्शन बन जाए। तो अब आपका मेन गोल क्या होगा, सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनको बाइजेक्टिव बना। अब बाइजेक्टिव किस तरह बनाएंगे उसके लिए मैं खड़ा हूं, लेकिन मेन आइडिया आपको क्लियर होने लगे
मेन आइडिया वो क्लियर हो कि आप करने क्या लगे हो, आप बाइजेक्टिव बनाने लगे हो सब फंक्शन को, क्यों? इसलिए क्योंकि आप चाह रहे हो कि इनका इनवर्स जो है वो भी फंक्शन बने। अभी इनका इनवर्स रिलेशन है, एक इनपुट पे आपको डिफरेंट आउटपुट मिल रहा है। अब कैसे बनाना है बाइजेक्टिव उसको जरा देख लेते हैं। साइन फंक्शन जरा मैं ड्रॉ कर देता हूँ, पूरा मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। ये साइन फंक्शन है, वैल्यूज आपको पता नहीं चाहिए, ये जीरो होता है, ये होता है 180 डिग्री पाए, ये होता है 2 पाए। इसी तरीके से पाए और 2 पाए के दरमियान ये होगा 3 पाए अपॉन 2, मतलब 270 डिग्री, और ये होता है पाए अपॉन 2 मतलब 90 डिग्री। ये सब मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर चुका हूँ, अब मैं दोबारा ये नहीं बताऊंगा। इसी तरह ये होता है माइनस 8 180 डिग्री, ये होगा माइनस 360 डिग्री, और यहाँ पे दरमियान में पॉइंट आएगा माइनस पाए बाय 2 मतलब माइनस 90, और यहाँ पे आएगा माइनस 3 पाए बाय 2 माइनस 270। ये ग्राफ है। अभी आप देखो अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा तो डेफिनेटली एक हॉरिजॉन्टल लाइन मल्टीपल पॉइंट्स को क्रॉस कर रही होगी, इनफाइनाइट पॉइंट को, क्योंकि साइन का ग्राफ रुक तो नहीं रहा ना, तो बढ़ता जाएगा। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो इनफाइनाइट पॉइंट को क्रॉस कर रही होगी, तो ये बाइजेक्टिव नहीं है। अब बाइजेक्टिव बनाने के लिए आपको ग्राफ का एक स्पेसिफिक पोर्शन कंसिडर करना पड़ेगा, वो ऐसा पोर्शन होगा कि जहां पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो वो एक ही पॉइंट को क्रॉस करेगी। अब हम क्या करें, अब यहाँ पे जो पोर्शन आपने चूज करना है ना, आप यहाँ पे कोई भी पोर्शन चूज कर सकते हो। मैं जो यहाँ पे पोर्शन चूज कर रहा हूँ वो इसलिए चूज कर रहा हूँ, आप लोगों ने बचपन से देखा होगा कि आप लोगों ने 30 डिग्री को हैंडल किया हुआ है, 45, 60, मतलब 0 से लेकर 90 के दरमियान आप एंगल आसानी से यूज कर सकते हो, आप उनसे ये कहते हो ना कंफर्टेबल हो। आपके पास 45 आ जाए, आपके पास 60 आ जाए, आपके पास 50 डिग्री आ जाए, आपके पास 20 डिग्री आ जाए, आप कंफर्टेबल हो। लेकिन सोचो आपके पास अगर 270 आ जाए, 230 आ जाए, तो आप कंफर्टेबल नहीं हो इतने। तो हम ज्यादातर कंफर्टेबल हैं 0 से लेकर 90 के दरमियान, तो हम कोशिश करेंगे कि साइन का वो हिस्सा कंसिडर करें जिनमें एंगल 90, 45 इसी किस्म के हों। तो हम कौन सा हिस्सा कंसिडर कर रहे हैं, मैं आप लोगों को पहले कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, फिर सवाल हो पूछे ना, इसको पहले मैं मैच कर लूँ। सेम ही इसकी हाइट होगी जो इसकी हाइट है ना। खैर, तो हम यहाँ पे जो हिस्सा यूज करेंगे ना, और ये मेरा नहीं है, ये स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में इनवर्स के लिए यही चीज यूज की जाती है, आपके कैलकुलेटर इसी पे वर्क कर रहे हैं। मैं आपको जरा एग्जांपल भी दूंगा कि आप कैलकुलेटर में पुट करोगे इसी अंदर आंसर आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। तो जो चीज मैं आप बता रहा हूँ ये ओवरऑल पूरा स्टैंडर्ड है, दुनिया में यूज होता है, आपके कैलकुलेटर इसी पे वर्क कर रहे होते हैं। वो क्या है कि आप कंसिडर करते हो पाई बाय टू, मतलब ये पाई बाय टू है ना, तो पाई बाय टू से लेके माइनस पाई बाय टू, ये जो ग्राफ का हिस्सा है ना आप इसको कंसिडर करते हो, बाकी को आप मिटा दो, ये जो बाकी पूरा हिस्सा ग्राफ का ये हट जाएगा। आपने कंसिडर करना है 90 और माइनस 90 के दरमियान वाला, यहां से स्टार्ट करना है, यहां से लेके यहां तक इसको कंसीडर करना, जो मैं नीचे बना रहा हूं इस तरीके से। तो ये वाला पॉइंट अगर आप देखो ये है पाई बाय टू, और ये वाला पॉइंट देखो ये है माइनस पाई बाय टू। हमने क्या करना है, हमने साइन के ग्राफ को रिस्ट्रिक्ट कर देना। आप देखो साइन का ग्राफ मैंने छोटा सा कर दिया, बाकी हिस्से को मैंने हटा दिया। अब अगर आप इस हिस्से की बात करो, ये बाइजेक्टिव है, जब आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे वो एक ही पॉइंट को क्रॉस करेगी, जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन है एक ही पॉइंट को क्रॉस करेगी। तो बाइजेक्टिव की निशानी ये होती है कि जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हो तो वो एक ही पॉइंट को क्रॉस करें। तो हमने किया क्या, पहले साइन फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं था, मैंने क्या किया, मैंने इसको बाइजेक्टिव बनाने के लिए इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, डोमेन मतलब एक्स वैल्यूज को। मैंने बोला कि माइनस 90 से लेके 90 के दरमियान आप एक्स वैल्यूज को कंसिडर करो, और जब इस हिस्से को कंसिडर करोगे तो जो आपका साइन फंक्शन है वो क्या कहलाया जाएगा, वो बाइजेक्टिव हो जाएगा। और अगर ये बाइजेक्टिव हो गया तो फिर इसका इनवर्स जो है वो फंक्शन बन जाएगा। अब स्टूडेंट का एक सवाल यहाँ पे होता है कि सर आपने ये वाला हिस्सा क्यों पिक किया, उसकी वजह मैंने आपको शुरू में बता दी है कि 0 से लेकर 90 के दरमियान एंगल कौन कौन से होंगे, 30, 20, 40, आप फेमिलियर हो। इसी तरह 0 से लेकर माइनस 90 के दरमियान भी कौन से एंगल होंगे, माइनस 20, माइनस 30, माइनस 45, तो आप कंफर्टेबल हो, दैट्स व्हाई हम ये वाला हिस्सा पिक करते हैं। कोई स्पेसिफिक इसकी रीजन नहीं है, आप ये वाला भी पिक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल को कहता है कि सर मुझे माइनस 90 से लेकर 90 पिक नहीं करना, मुझे 90 से लेके 270 पिक करना है, मतलब आप ये वाला हिस्सा पिक करना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो कि सर बाकी हिस्सा मैं पिक नहीं करना चाह रहा, मैं पिक करना चाह रहा हूँ 90 से लेके 270, तो मैं कहूंगा कर लो पिक, कोई मसला नहीं है। अगर 90 से लेके 270 में देखो अभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन को पास कर रहे हैं, आप कर सकते हो ये वाला हिस्सा, लेकिन हम इसलिए नहीं करते, उसकी एक ही वजह है कि यार हम कंफर्टेबल नहीं है ना। अब देखो 90 से लेके 270 तक जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, 110, 150, 210, 230, मुश्किल है हमारे लिए हैंडल करना इसको, जबकि इसमें कितने अच्छे एंगल्स होंगे। तो दैट्स व्हाई हम प्रेफर करते हैं इस वाले हिस्से को, हमें तोड़ना तो पड़ेगा साइन को, अगर हमने साइन के ग्राफ को तोड़ा नहीं तो आप फंक्शन नहीं बना सकते, मैंने वजह बता दिया आपको। अब ये आपकी चॉइस है कि आपने कौन सा हिस्सा पिक करना है,
तो मैंने बता दी वजह आपको कि हम ये वाला पिक करते हैं क्योंकि हम इस वाले हिस्से में कंफर्टेबल हैं। तो इस तरीके से आपने ग्राफ का ये वाला हिस्सा करना है। अब अगर आप इस फंक्शन को देखो तो ये बाइजेक्टिव बन गया, और ऐसा साइन फंक्शन जिसको आप रिस्ट्रिक्ट कर दो, जैसे ये साइन ही फंक्शन है लेकिन आपने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो इस साइन फंक्शन को आप कहते हो प्रिंसिपल साइन फंक्शन। तो जो प्रिंसिपल साइन फंक्शन है वो साइन ही फंक्शन होता है, लेकिन जैसे ये है, ये ओवरऑल आप इसको साइन फंक्शन बोलोगे लेकिन ये प्रिंसिपल है। क्यों? क्योंकि साइन फंक्शन की अगर आप डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दो और फिर जो साइन फंक्शन आपके पास आ रहा है उस वाले को आप कहते हो प्रिंसिपल साइन फंक्शन। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके डोमेन और रेंज बताओ मुझे, तो जरा डोमेन निकालते हैं। डोमेन आपने रिस्ट्रिक्ट की है कहां से लेके कहां तक, -90 से लेके 90 तक। तो डोमेन को हम कैसे लिखेंगे, -π/2 से लेके π/2, जिसमें -π/2 भी शामिल है, π/2 भी शामिल है, तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई हुई है इसके ऊपर। और अब इसकी रेंज की बात करते हैं, रेंज इसकी क्या होगी? अगर आप देखो रेंज अभी भी साइन फंक्शन की वही रहेगी, मिनिमम वैल्यू आपको यहाँ पे अगर देखो ना -1 मिल रही है और मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ पे 1 मिल रही है। जो ग्राफ में मिल रही थी मिनिमम मैक्सिमम अभी भी वही है, तो -1 से लेके 1 तक इसकी रेंज है। तो जब प्रिंसिपल साइन फंक्शन की कोई आपसे पूछे कि डोमेन रेंज क्या है, तो प्रिंसिपल साइन फंक्शन की डोमेन ये है और रेंज ये है। नॉर्मल जो साइन फंक्शन था उसकी डोमेन रियल नंबर होती थी, लेकिन आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना, तो आप जो प्रिंसिपल साइन फंक्शन है उसकी डोमेन ये होगी। रेंज तो सेम ही है, रेंज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, डोमेन पे असल में फर्क पड़ा है। तो क्या आपने अभी तक पढ़ा है कि आपने फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, आपका ये साइन फंक्शन बन गया। अब फायदा क्या हुआ, ये बाइजेक्टिव हो गया, अब आप इसका आसानी से इन्वर्स निकालोगे। अब इन्वर्स किस तरीके से निकालना है, सिंपल सी बात है, जो इसका इन्वर्स साइन फंक्शन होगा, फॉर एग्जाम्पल ये साइन फंक्शन है ना वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका इन्वर्स जो है साइन इन्वर्स। अब होगा क्या, चीजें आपस में चेंज हो जाएंगी, यहां पे एक्स एंगल था वाई वैल्यू थी, अब यहां पे एक्स वैल्यू बन गया और वाई यहां पे एंगल बन गया, क्योंकि आपने पढ़ा था कि जो फंक्शन की डोमेन है वो रेंज होती है इनवर्स की, और जो फंक्शन की रेंज है वो डोमेन होती है उसके इनवर्स की। तो अगर मैं आपसे बोलूं इस इनवर्स की डोमेन बताओ मुझे, तो डोमेन यहां पे क्या होगी, जो इसकी रेंज है -1 से लेके 1, जो आपके साइन फंक्शन की रेंज है वो बेसिकली डोमेन होगी इसके इनवर्स की। इसी तरीके से जो रेंज है आपके फंक्शन की, सॉरी जो आपके फंक्शन की डोमेन है वो रेंज बन जाएगी इनवर्स की, -π/2 से लेके π/2। तो अब अगर आप देखो फॉर एग्जाम्पल, तभी मैंने कहा था कि आप इनवर्स के अंदर वैल्यू पुट करते हो, क्योंकि डोमेन इनवर्स की क्या होती है, -1 से लेके 1। तो फॉर एग्जाम्पल अब अगर आप कैलकुलेटर में पुट करोगे साइन इनवर्स 1/2, तो अब जो आपको एंगल मिलेगा ना, जो आउटपुट मिलेगा वो इसी में से मिलेगा, -90 से लेके 90 के दरमियान जो भी एंगल इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा वो आपको मिलेगा। और ये बात आप बेहतर तरीके से जानते हो, अगर आप इनको लिखो ना, तो ये 30 वो एंगल है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, जो इस रेंज के अंदर है, बाकी एंगल जो है वो इस रेंज के अंदर नहीं है। तो अब ये फंक्शन बन गया, क्यों, आपने एक इनपुट किया और आपको आउटपुट में एक ही मिल रहा है साइन 30 डिग्री, तो अब आपको आंसर मिलेगा 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री जो है वो इस रेंज के अंदर आ रहा है। तो ये मेथड करने से अगर आप फंक्शन को बाइजेक्टिव बना दो तो जो उसका इनवर्स है वो फंक्शन बन जाएगा, एक इनपुट पे आपको एक ही यहां पे आउटपुट मिल रहा होगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देता हूं ताकि मजीद क्लियर हो। अगर मैं आपको बोलूं साइन इनवर्स -1/2 निकालो, अगर इसको छोड़ो सिंपल, अगर मैं आप लोगों को 12.2 में ये सिंपल सवाल था साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2, अगर आप लोगों को याद हो हम इसको सॉल्व किस तरह करते थे, हम कहते थे रेफरेंस एंगल निकालो। रेफरेंस एंगल कैसे निकलेगा, कोई बता सकता है इसका रेफरेंस एंगल क्या होगा? भूल गए 12.2, रेफरेंस एंगल मैंने कहा था माइनस को हटा दो, क्या होगा मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, इसका π/6 होगा शायद, π/6 ही आपने बोला है। रेफरेंस एंगल 12.2 में मैंने बताया था कि माइनस साइन को हटा दो, पीछे क्या बचेगा 1/2, साइन 1/2 कहां पे होता है, 30 डिग्री के ऊपर होता है। अब आपने देखना है ये इसकी वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब साइन नेगेटिव कहां पे होता है, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आप कैसे बनाओगे, आप 30 डिग्री का रेफरेंस एंगल जो है वो थर्ड और फोर्थ में बना दोगे, तो यहां पे भी 30 डिग्री का बना दो, यहां पे भी 30 डिग्री का बना दो, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अब अगर आप ऑब्जर्व करो यहां पे हम एंगल कैसे निकालते थे, ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, ये पूरा एंगल हो जाएगा 210 डिग्री, और ये पूरा एंगल यहां तक क्या हो जाएगा 330 डिग्री। आप कैलकुलेटर में जाओ, आप कैलकुलेटर में पुट करो साइन 210, आंसर मिलेगा -1/2, आप कैलकुलेटर में पुट करो साइन 330, आंसर मिलेगा -1/2। ठीक है, और इसके बाद आप और भी निकाल सकते हो, इसके अंदर 360 ऐड कर दो, इसके अंदर 360 ऐड कर दो।
अब यही इक्वेशन अगर आपके पास इस तरह आ जाए, साइन इनवर्स वन अपॉन टू, तो बात तो वही है ना। ये आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है कि साइन किस एंगल के ऊपर माइनस वन अपॉन टू होता है। आपने यहां पे देखा कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, 210 डिग्री आ रहे हैं, 330 डिग्री आ रहे हैं, और फिर आप इसके अंदर 360 ऐड करते जाओ। लेकिन ये जो है ये सिंपल इनवर्स रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। अब आपने देखना है कि जो आपका आंसर है वो उस रेंज के अंदर आना चाहिए। अगर आप देखो ये वैल्यूज इसके रेंज के अंदर नहीं है, 210 डिग्री नहीं आएगा, 330 डिग्री नहीं आएगा। तो अगर आप कैलकुलेटर में पुट करोगे ना साइन इनवर्स माइनस वन अपॉइंट टू, कैलकुलेटर ये आंसर नहीं देगा आपको। हालांकि आप इस बात को जानते हो कि साइन 210 डिग्री भी माइनस वन अपॉइंट टू है, साइन 330 डिग्री भी माइनस वन अपॉइंट टू है, लेकिन कैलकुलेटर आपको ये आंसर नहीं देगा। कैलकुलेटर आपको कौन सा आंसर देगा, कैलकुलेटर आपको आंसर देगा इस रेंज के अंदर। इस रेंज के अंदर कौन सा एंगल है उसको जरा गौर से सुनो। ये जो 330 डिग्री आपने बनाया है, ये वाला पूरा एंगल, अगर ये आप एंटी क्लॉकवाइज बना रहे हो तो 330 डिग्री है, लेकिन अगर आप इसको क्लॉकवाइज बनाओगे तो फिर क्या होगा, ये तो बता सकता है। -30 -30 डिग्री। तो जरा कैलकुलेटर निकाल के देख लेना, कैलकुलेटर आपको आंसर दे रहा होगा -30 डिग्री। क्यों -30 क्यों दे रहा है, क्योंकि -30 इसके अंदर आ रहा है। ये जो इसकी रेंज है ये -90 से लेकर 90 है, जिसके अंदर -30 आता है। तो कैलकुलेटर आपको 210 नहीं देगा, कैलकुलेटर आपको 330 ही देगा, कैलकुलेटर आपको देगा -30। जो आपने डोमेन रिस्ट्रिक्ट की थी यहाँ पे, वो आपने -90 और 90 में की थी। भाई इस डोमेन के अंदर क्या 210 आता है, नहीं। क्या 330 आता है, नहीं। आपने देखना है कि जो आपकी डोमेन है उसी के अंदर आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे डोमेन थी वो यहाँ पे रेंज बन गई थी ना, तो अब जो भी इसका आंसर आएगा वो इस रेंज के अंदर ही होगा, और इस रेंज के अंदर कौन सा आंसर आ रहा है, -30 डिग्री। तो ये वजह है, कभी भी आप कैलकुलेटर में साइन इनवर्स के अंदर कुछ भी पुट कर दो, कोई भी वैल्यू, कैलकुलेटर हमेशा आपको या तो देगा 0 से लेकर 90 तक, या देगा 0 से लेकर -90 तक। कभी आप ये ऑब्जर्व नहीं करोगे कि साइन इनवर्स के आंसर में आपके पास कोई सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आ रहा है, या आपके पास कोई थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल आ रहा है, कभी भी आप ऐसा ऑब्जर्व नहीं करोगे। कैलकुलेटर हमेशा आपको या तो 0 से लेकर 90 तक देगा, या 0 से लेकर -90 तक देगा। ये वजह है, ये वजह आमतौर पर बच्चों को नहीं समझ आती कि कैलकुलेटर क्यों दे रहा है ये एंगल। वो वजह मैंने आपको क्लियर कर दी है कि कैलकुलेटर इसी रेंज के अंदर देगा, इसके बाहर आपको एंगल नहीं देगा। इसके बाहर अगर कोई एंगल होगा तो वो इस रेंज के अंदर कन्वर्ट कर लेगा, जैसे 330 डिग्री कन्वर्ट कर लिया इस रेंज के अंदर, कैसे, उसने एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज एंगल मेजर कर लिया, सही। तो यहाँ पे मैंने क्लियर आप लोगों को क्या किया कि जो इसकी डोमेन है वो रेंज बन गई, जो इसकी रेंज है वो इसकी डोमेन बन गई। और अब फायदा ये हुआ कि जैसे ही आपने फंक्शन को बाइजेक्टिव किया तो जो उसका इनवर्स है अब वो फंक्शन बन गया, क्योंकि अगर आप एक इनपुट करोगे तो आपको आंसर में भी एक ही वैल्यू मिलेगी, ज्यादा नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये जो टॉपिक पूरा बुक में डिस्कस हुआ है ना, इसके एंड में उन्होंने टेबल बनाया हुआ है। टेबल में उन्होंने प्रिंसिपल जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी डोमेन रेंज लिखी हुई है, और जितने इनवर्स है उनकी डोमेन रेंज लिखी हुई है। तो ये समझ लो साइन की कहानी मैंने आप लोगों को बता दी है। कोई सवाल है यहां तक पूछ लो, जरा कॉस की बात करते हैं। अच्छा, अगर आपने ग्राफ ड्रॉ करना हो ना बिलफर्ज, ये आगे टॉपिक है, ये टॉपिक खत्म होने के बाद ना एक बुक में एक और टॉपिक है जिसमें लिखा हुआ है कि ग्राफ आपने कैसे ड्रॉ करने हैं इनवर्स के। तो यहाँ ड्रॉ करने का दो तरीके हैं, एक है ग्राफिकल तरीका, अंदाजन आप ड्रॉ कर सकते हो, और एक है कि आप प्रॉपर जिस तरह वैल्यूज टेबल निकालते हो ना वैसे आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल साइन इनवर्स है ना, आपने इसको ड्रॉ करना है, आपको पता है इसकी डोमेन क्या होगी, -1 से लेकर 1 होगी। अच्छा, ये भी बहुत बड़ी वजह है। मैं एक कॉलेज में गया था, वहां पे जब मैंने पढ़ाया तो मैंने उनको एक सवाल पूछा था कि यार मैथ एरर कब आता है, तो उन्होंने बोला सर मैथ एरर उस वक्त आएगा जब आपके पास वो 1/0 आ रहा होगा। जैसे कैलकुलेटर में अगर आप टेंजन 90 पुट करो ना, तो मैथ एरर आ रहा होता है, क्योंकि टेंजन 90 होता है साइन 90 अपॉन कॉस 90, साइन 91 कॉस 90 जीरो। तो वो कहते सर जब 1/0 होगा ना तभी आंसर आपके पास कैलकुलेटर में मैथ एरर आ रहा होगा। तो उनके जहन में था कि मैथ एरर आते ही उस वक्त है, हालांकि अगर आप कैलकुलेटर में ये पुट करो देखना एरर आ रहा होगा, मैथ एरर आ रहा होगा। कैलकुलेटर में दो किस्म के एरर आते हैं, एक होता है सिंटेक्स एरर, सिंटेक्स एरर का मतलब होता है आपने कोई मिस्टेक किया, और एक होता है मैथ एरर, मैथ एरर का मतलब होता है इसका आंसर पॉसिबल नहीं है, कोई ना कोई यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में मिस्टेक है, मतलब कोई आपने इक्वेशन लिखने में मिस्टेक नहीं की, जो उसका आंसर है ना उसमें कुछ ना कुछ भंड आ रहा है, दैट्स व्हाई कैलकुलेटर आपको आंसर नहीं देगा। तो मैथ एरर उस वक्त भी आएगा जब आप कैलकुलेटर में टेंजेंट 90 पुट करोगे, क्योंकि वो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, और मैथ में मैंने बताया डिनोमिनेटर जीरो हो तो फ्रैक्शन आपकी अनडिफाइन कहलाती है, तो तभी भी आपको कैलकुलेटर एरर देगा।
और इस वाली सिचुएशन में भी कैलकुलेटर आपको एरर देगा। उसकी वजह यह है कि इसके डोमेन में टू आता ही नहीं है ना, इसके डोमेन ही माइनस वन से लेके वन है, टू तो आता ही नहीं है इसके अंदर। और आप थोड़ा लॉजिकल सोचो, इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऐसा कौन सा एंगल है जिसपे साइन की वैल्यू टू है? ऐसा कोई दुनिया में एंगल एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई। जितने भी एंगल हैं, टू वैल्यू तो आपको मिलती ही नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू आपको वन मिलती है, टू वैल्यू तो मिलती नहीं है। इसका मतलब ये आपको आंसर में क्या दे, आपको कौन सा ऐसा एंगल दे जिसपे साइन की वैल्यू टू हो? कोई ऐसा एंगल ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये आपको फिर मैथ एरर दे देगा। ये क्या यार, मैथमेटिकल मिस्टेक है यहाँ पे कोई, मतलब इक्वेशन बनाने मिस्टेक नहीं की, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है ना वो मसला है यहाँ पे। वो मसला ये है कि डोमेन माइनस वन से लेके वन होती है, तो तभी साइन इनवर्स के अंदर आपने माइनस वन से लेके वन के दरमियान ही कुछ पुट करना है। माइनस वन भी पुट कर सकते हो, वन भी पुट कर सकते हो, लेकिन इनके बाहर आप कुछ पुट नहीं कर सकते। तो अगर आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है ना, तो सिंपल तरीका वही ग्राफ ड्रॉ करने का होता है कि आप वैल्यूज कुछ पुट करो। फॉर एग्जाम्पल आप माइनस वन पुट करो, फॉर एग्जाम्पल फिर आप वन अपॉइंट टू पुट कर लो, फिर आप जीरो पुट कर लो, सॉरी माइनस वन अपॉइंट टू, फिर वन अपॉइंट टू, फिर वन। ये पांच वैल्यूज आप पुट करो इस फंक्शन के अंदर, आपको आंसर मिलते जाएंगे। जैसे अगर आप माइनस वन पुट करोगे तो आंसर मिलेगा माइनस फाइव बाई टू, इस पे आपको आंसर मिलेगा माइनस फाइव बाई सिक्स, इस पे आपको जीरो ही मिलेगा, इस पे आपको मिलेगा फाइव बाई सिक्स, इस पे आपको मिलेगा फाइव बाई टू। तो ये आपको पॉइंट्स मिलेंगे ना, आप इसको ग्राफ पे ड्रॉ कर देना, एक्स एक्सिस पे आप मार्क कर लेना माइनस, इन सब पॉइंट्स को एक्स एक्सिस पे मार्क कर लेना, इन सब पॉइंट को वाई एक्सिस पे मार्क कर लेना, और आप ड्रॉ करना आपको इनवर्स फंक्शन का ग्राफ मिल जाएगा। तो ग्राफ ड्रॉ करने का वही तरीका होता है, लेकिन इसका ना एक शॉर्ट तरीका भी होता है, और ये आपको पता होना चाहिए। डिटेल में मैं जा नहीं रहा, बुक ने डिस्कस किया हुआ, तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। वो ये है कि जितने भी इनवर्स फंक्शन होते हैं ना, उनके जो ग्राफ होते हैं वो रिफ्लेक्शन होती है वाई इक्वल टू एक्स के अराउंड। ये मैंने चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी इनवर्स के अंदर आप लोगों को बताया था, लेकिन उस वक्त टॉपिक था नहीं, बहुत डिटेल हो गई थी। अभी भी मैं बहुत डिटेल में जाना नहीं चाह रहा, तुम लोगों के ऊपर से जाएगी ये बात, लेकिन मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि बुक में डिस्कस है, तो आपको कुछ तो आइडिया हो कि हो क्या रहा है यहाँ पे। कि ये जैसे सिंपल साइन फंक्शन का ग्राफ है ना, साइन फंक्शन का ग्राफ यहाँ पे क्या है, साइन फंक्शन का ग्राफ है 90 और माइनस 90 के, थोड़ी पीक नीचे होगी लेकिन चलो कंसीडर कर लो। ये बुक में डायग्राम बनी हुई है, मैं बता देता हूँ पेज नंबर, ये पेज नंबर अगर आप 360 पे आओ ना, तो ये एग्जैक्ट डायग्राम बुक में बनाई हुई है। जब आपके पास साइन का ग्राफ बन जाता है ना यार, ये ग्राफ थोड़ा टेढ़ा सा बना है, मैं चाह रहा हूँ एग्जैक्ट बुक वाला कॉन्सेप्ट लगे। नीचे वाली मैंने समय सही बनाया हुआ नहीं है, इसको थोड़ा उठा देते हैं, इस तरह कर लो। तो आप क्या करते हो, एक लाइन बनाते हो, भूल जाओ इसको, सिंपल एक लाइन होती है, मैं एक लाइन बनाता हूँ उसके बाद समझाता हूँ। एक लाइन होती है जिसको आप कहते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स, कहते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स। तो जो भी इनवर्स फंक्शन होते हैं ना, आप इनवर्स फंक्शन आते कैसे हैं कि जो नॉर्मल आपका प्रिंसिपल फंक्शन होता है ना, आप उसको रिफ्लेक्ट करवा दो अबाउट वाई एक्सिस, सॉरी अबाउट वाई इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल साइन का ग्राफ बनाओ, साइन का ग्राफ इस टाइप का बनेगा, इसी तरीके से नीचे जो है कुछ इस टाइप का बन रहा होगा ग्राफ। तो आपने क्या करना है, आपने इसको रिफ्लेक्ट करवा देना है। रिफ्लेक्ट का मतलब कंसिडर कर लो, मिरर जो है, शीशा जो है, वो आपका इस लाइन के अबाउट है, ये वाई इक्वल टू एक्स जो लाइन है ना, इसमें आपने मिरर रखा हुआ है। तो जो चीज आपको नीचे नजर आ रही है वो अब आपको ऊपर नजर आएगी, इस तरीके से जैसे आपको नीचे नजर आ रहा है ना, अब आपको ये चीज ऊपर नजर आएगी। अगर आपको ये चीज ऊपर है तो मिरर के नीचे अब आपको नजर आएगी, इस तरीके से। ये होता है इनवर्स का कॉन्सेप्ट, कि जो आपके पास नॉर्मल फंक्शन है आप उसको रिफ्लेक्ट करवा दो अबाउट वाई इक्वल टू एक्स। मैथमेटिकल मतलब क्या होता है वाई इक्वल टू एक्स का, कि फॉर एग्जाम्पल अगर साइन फंक्शन के ऊपर एक पॉइंट है ना, कंसिडर कर लो वन कॉमा टू, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा होगा नहीं, लेकिन कंसिडर कर लो ओरिजिनल फंक्शन पे एक पॉइंट है वन कॉमा टू। तो जब आप इसको रिफ्लेक्ट करवाओगे ना वाई इक्वल टू एक्स के अराउंड, तो ये उल्टा हो जाएगा, टू कॉमा वन हो जाएगा। अगर नॉर्मल फंक्शन के ऊपर पॉइंट है वन कॉमा टू, तो इसके इनवर्स के ऊपर पॉइंट हो जाएगा टू कॉमा वन। ये बात आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो, जैसे नॉर्मल साइन फंक्शन है उसके अंदर जब आप पुट करते हो पाई बाय टू, तो आंसर आपको क्या मिलता है? जब आपने इसको रिफ्लेक्ट करवाया अबाउट वाई एक्स, वाई इक्वल टू एक्स लाइन के, तो इसका मतलब क्या, ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा वन कॉमा पाई बाय टू। तो आप ऑब्जर्व करो, जब इनवर्स के अंदर आप वन पुट करते हो तो आंसर आपको क्या मिलता है, पाई बाय टू मिलता है। तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है, जस्ट आप फंक्शन को रिफ्लेक्ट करवा दो अबाउट वाई इक्वल टू एक्स, मतलब जो पॉइंट फंक्शन के ऊपर है उनको आप चेंज कर दो, एक्स को वाई बना दो, वाई को एक्स बना दो, और आपके पास इनवर्स का ग्राफ आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप ग्राफ बना सकते हो, या सिंपल क्लासिकल तरीका ग्राफ बनाने का, इस तरीके से भी आप बना सकते हो। तो ये अगर नॉर्मल साइन फंक्शन का ग्राफ है ना, तो इसके इनवर्स का ग्राफ इस टाइप का हो जाएगा, इसका थोड़ा इस तरह है और ऊपर से इस तरह है, जबकि इसमें इधर हो जाएगा, इसका हो जाएगा। सिंपल देखो, रिफ्लेक्ट करवाया, ये डाउनवर्ड शेप थी और इधर
अपवर्ड शेप थी। इनवर्स के अंदर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगी अपवर्ड और नीचे हो जाएगी डाउनवर्ड। ये चीज मैंने बनाई है कि अब ऊपर अपवर्ड शेप होगी, नीचे डाउनवर्ड होगी, जबकि नॉर्मल साइन फंक्शन में ऊपर डाउनवर्ड था और नीचे अपवर्ड। ये आपने वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट रिफ्लेक्ट करवाया, इस तरीके से ग्राफ आ गया। ये मैं हर फंक्शन के अंदर नहीं बताऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया, बुक में डिस्कस था। बाकी फंक्शन का बस अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डोमेन हमने किस तरह स्टिक करनी है, और ये वाला बस पॉइंट क्लियर कर दूंगा, बाकी सारी बातें मैंने साइन के अंदर आप लोगों को डिटेल में बता दूंगी। तो अगर कोई चीज ना समझ आए तो बार बार देख लेना इसको, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो। मैंने कल की क्लास में भी क्लियर किया था, टॉपिक मुश्किल है, जितना हो सकेगा मैं इजी करूंगा, लेकिन कितना इजी कर सकता हूँ मैं। अच्छा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबके साथ यही मसला है, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है ना, पीरियोडिक फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव नहीं होता। तो आप उसमें एक वैल्यू पुट, फॉर एग्जाम्पल कॉस इनवर्स के अंदर आप एक वैल्यू पुट करो और इतने ज्यादा आपके पास एंगल आ जाएंगे, तो अगेन आपको कॉस इनवर्स या बाकी जितने भी हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आपको उनको सबसे पहले बाइजेक्टिव बनाना है। अब वो बाइजेक्टिव में कौन सा आपने हिस्सा लेना है, मैंने आपको बता दिया, जो हिस्सा आपको आसान लगे उस हिस्सा आप ले लो और फिर आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर दो। तो ये स्टैंडर्ड रखा हुआ है, वो स्टैंडर्ड में सारे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब बात करते हैं इनवर्स कोसाइन फंक्शन। अच्छा, नॉर्मल सबसे पहले मैं बनाता हूँ, इनवर्स कोसाइन बनता कैसे है। इस तरीके से कोसाइन फंक्शन बन रहा होता है, ये वाला पॉइंट जो है इस पे आपको वैल्यू वन मिलती है, इस वाले पॉइंट पे आपको वैल्यू माइनस वन मिलती है, ये बिल्कुल एक लेवल पे होंगी पीक, ठीक है। अच्छा, ये वाला पॉइंट जो है ये कॉस के अंदर होता है 90 डिग्री, जिसको पाई बाय टू कहते हैं आप। ये तो बिल्कुल मिनिमम पॉइंट मिलता है आपको पाई के ऊपर, ये वाला पॉइंट जो है पाई होता है, ये पाई हो गया, ये पाई बाय टू हो गया, ये जीरो हो गया। इसी तरह ये वाला पॉइंट होगा माइनस पाई बाय टू, मतलब माइनस 90, ये वाला पॉइंट जो है ये हो जाएगा माइनस 180, मतलब माइनस पाई। इस तरीके का कोसाइन का ग्राफ होता है, अगेन बाइजेक्टिव नहीं है। अगर आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ तो वो कितने पॉइंट्स को क्रॉस कर रही होगी, तो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है ये। तो अगर बाइजेक्टिव नहीं है, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, एक सेकेंड, एकदम से मेरे जहन में क्या है, सही। अच्छा, तो ये बाइजेक्टिव नहीं है ना, इसका मतलब आपको इसको बाइजेक्टिव बनाना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे कौन सा हिस्सा पिक करोगे, मैं जो पहले हिस्सा पिक करूंगा वो मैं बता रहा हूँ, फिर देखेंगे अगर कोई और हिस्सा पिक करना चाह रहे तो कर सकते हो आप लोग। थोड़ा मैं और आगे भी बना देता हूँ ना इसको। अच्छा, तो हम जो हिस्सा पिक करते हैं वो ये वाला पिक करते हैं, बाकी को मैं मिटा देता हूँ। हम हिस्सा पिक करते हैं जीरो से लेके पाए का, जिसको मैं नीचे बनाता हूँ, ये वाला हिस्सा जीरो से लेके, और ये वाला पॉइंट क्या होता है, ये वाला पॉइंट पाए होता है। तो हम जो कॉस है ना उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं जीरो से लेके पाए, मतलब जीरो से लेके 180 डिग्री तक। उसकी वजह एक है, किसी और अगर हिस्से को पिक करोगे तो इतना मजे का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पाए से लेके ये वाला हिस्सा पिक करते हो, मतलब ये पूरा लेके, ये पीक आपको कहाँ पे मिलेगी, ये होगा ये टू पाए पे आपको मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप कहते हो कि सर मैं पाए से लेके टू पाए तक ये पूरा हिस्सा पिक करना चाह रहा हूँ, अगेन मैं वही बात बोलूंगा यार, पाए से लेके टू पाए तक इतने फालतू हिस्से होंगे, 200 डिग्री, 250, 300, 310, मजा नहीं आएगा। जीरो से लेके 180 वाला हिस्सा पिक कर सकते हो, इस वाले हिस्से के अंदर जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो वो एक ही पॉइंट को क्रॉस करेगी। अब ये नहीं कि हर सवाल में माइनस 90 से लेके 90 पिक कर लो, अगर इस सवाल में आपने माइनस 90 से लेके 90 पिक किया तो अगेन मकसद पूरा नहीं होगा ना। अगर आप ये वाला हिस्सा पिक करोगे तो अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे, वो तो दो पॉइंट पे क्रॉस कर रही है। तो हर सवाल में आप माइनस 90 से लेके 90 नहीं पिक कर सकते, आपने असल में उसको सबसे पहले बाइजेक्टिव बनाना है। तो बाइजेक्टिव बनाने के लिए हम कॉस के अंदर कौन सा हिस्सा पिक करते हैं, जीरो से लेके पाए वाला। आप जीरो से लेके माइनस पाए वाला भी पिक कर सकते हो, लेकिन अगेन नेगेटिव वैल्यूज होंगे। बेस्ट तरीका क्या है कि पॉजिटिव वैल्यूज हों और जीरो से लेके 180 में तकरीबन हम हैंडल कर लेंगे, एज कम्पेयर टू बाकी हिस्से वो हमें मजे के नहीं लगते, दैट्स व्हाई हम ये वाला हिस्सा पिक करते हैं। तो जो प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन है ना, जरा उसके बारे में पढ़ लो, रिस्ट्रिक्ट करने के बाद जो होता है उसको आप प्रिंसिपल कहते हो, प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार इसकी डोमेन क्या है, आप क्या इसके अंदर पुट कर सकते हो जीरो से लेके पाए, तो डोमेन हो जाएगी जीरो से लेके पाए, जिसमें जीरो भी शामिल है पाई भी शामिल है। और अगर मैं रेंज पूछूं, रेंज अभी भी वही है वन और माइनस वन, तो रेंज में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, माइनस वन से लेके वन। ये प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन की डोमेन और रेंज होती है। तो जब आप इसका इनवर्स बनाओगे, अब अगेन इनवर्स में क्या होगा,
अगर मैं बात करूं यहाँ पे इनवर्स कोसाइन फंक्शन की, तो इनवर्स कोसाइन फंक्शन की अगर मैं आपसे डोमेन बोलूं तो जो इसकी रेंज थी वो इसकी डोमेन बन जाएगी। इसी तरीके से जो इसकी डोमेन थी वो इसकी रेंज बन जाएगी। तो कहने का मतलब अब आपको जो आंसर मिले कॉस इनवर्स के अंदर आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, आंसर आपको मिलेगा 0 से लेके पाई के दरमियान। ये वेरीफाई भी आप कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेटर में पुट करो, अगर मैं एक इक्वेशन को सॉल्व करूँ कॉस एक्स इज इक्वल टू -1/2, मैंने 12.2 में सिखाई थी सॉल्व करना, तो हमने क्या बोला था इसका रेफरेंस एंगल निकालो। रेफरेंस एंगल कॉस 1/2 कब होता है? 60 डिग्री के ऊपर। तो रेफरेंस एंगल 60 डिग्री का है। अब ये नेगेटिव है, कॉस नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है? सेकंड और थर्ड के अंदर। तो आप क्या करो, सेकंड क्वाड्रेंट में भी 60 का रेफरेंस एंगल बना दो और थर्ड क्वाड्रेंट में भी आप 60 का रेफरेंस एंगल बना दो। तो इस इक्वेशन को दो एंगल सेटिस्फाई करेंगे, एक तो ये वाला, ये पूरा क्या होगा 120 डिग्री, और एक ये पूरा, ये कितना होगा 240 डिग्री। आप चेक भी कर सकते हो, कैलकुलेटर में कॉस 120 पुट करो या कैलकुलेटर में 240 पुट करो, आंसर आपको मिलेगा -1/2। ये काम 12.2 में कर चुके हो आप लोग, नया काम नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आप लोग बोलूँ कि कॉस इनवर्स -1/2 क्या हो, भाई मिलने तो आपको एंगल ही है ना, आपको ऐसे एंगल मिलेंगे जिस पे कॉस की वैल्यू -1/2 होती है। तो आपको पता है 120 पे भी वैल्यू -1/2 होती है, 240 पे भी -1/2 होती है, लेकिन कैलकुलेटर आपको आंसर देगा 120। उसकी वजह क्या है? रेंज। कोसाइन इनवर्स में कुछ भी आपको आंसर मिलेगा वो 0 से लेके पाई के दरमियान ही मिलेगा, मतलब 0 से लेके 180, आपको हमेशा 0 से लेके 180 मिलेगा। कभी भी आप ऑब्जर्व करोगे, हमेशा ऑब्जर्व करना, कॉस इनवर्स के अंदर कभी आपको नेगेटिव आंसर मिल ही नहीं सकता, क्योंकि हमेशा आपको 0 से लेके 180 के दरमियान मिलेगा। अगर कोई एंगल यहाँ पे भी है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरह कर दूं कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पे रेफरेंस एंगल है 60 डिग्री फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। एक आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल बना दिया 60, एक आपने फोर्थ क्वाड्रेंट में बना दिया, तो एक एंगल हो जाएगा 60 डिग्री और दूसरा एंगल हो जाएगा -60। आप कैलकुलेटर में 60 पुट करो या -60 पुट करो, कॉस की वैल्यू 1/2 आएगी। लेकिन जब आप कैलकुलेटर में लिखोगे कॉस इनवर्स 1/2, तो कैलकुलेटर आपको -60 नहीं देगा, -60 रेंज के अंदर नहीं आता। कैलकुलेटर आपको क्या देगा? कैलकुलेटर आपको 60 देगा। ये वो वजह है। तो हालांकि -60 पे भी कॉस की वैल्यू 1/2 होती है, लेकिन कैलकुलेटर आपको 60 देगा क्योंकि ये इसकी रेंज के अंदर आता है। -60 जो है वो उस रेंज के अंदर नहीं आता। ये वो वजह है। तो एक चीज आपने देख ली कि आपको कौन से एंगल आंसर में मिलेंगे, दूसरा आपने देख लिया कि आपको यहाँ पे एक ही एंगल मिलेगा, तो इससे आसानी ये होगी कि बाइजेक्टिव बन गया, मतलब बाइजेक्टिव आपने बनाया था ना, तो जो इसका इनवर्स है वो यहाँ पे फंक्शन बन गया, एक इनपुट पे आपको एक ही आंसर मिल गया होगा। तो ये मैंने कॉस की डिस्कशन कर दी, प्रिंसिपल कोसाइन, और जो इनवर्स कॉस है इसकी आपको मैंने डोमेन ने हर चीज बता दी। सही है। अब यही कॉन्सेप्ट आपने बाकी कर्व्स के ऊपर भी अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल टेंजेंट की डिस्कशन करते हैं। अब थोड़ा इजी है आप लोगों के लिए, तकरीबन सारी बातें आप लोगों ने सीख ली हैं। अब बस मेन मेन डोमेन रेंज पे आते हैं और टॉपिक को खत्म करते हैं। अगर आप बात करो, अच्छा एक नोटेशन देख लो, अगर आपके पास इस तरह लिखा हुआ हो, बुक में मेंशन था, नई बुक में शायद उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, अगर ये एस जो है ये छोटा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये रिप्रेजेंट करता है इनवर्स रिलेशन को। रिलेशन मतलब जिसके एक इनपुट में आपको डिफरेंट आउटपुट मिल सकते हैं। लेकिन जो ये होता है ना कोसाइन फंक्शन, रिस्ट्रिक्ट करने के बाद जो आपने इनवर्स निकाला है उसको आप कैपिटल से लिखते हो इस तरीके से। तो कैपिटल एस लिखा हुआ है ना, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनवर्स साइन फंक्शन को, कि इसके इनपुट में आपको एक ही आंसर मिलेगा। और अगर यहाँ पे स्मॉल एस, ये आता नहीं है, पुरानी बुक में लिखा हुआ था, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर कहीं देखो तो आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ ये चीज है। अगर स्मॉल एस लिखा हो तो इसका मतलब एक इनपुट पे आपको डिफरेंट आंसर मिल सकते हैं, लेकिन कैपिटल एस लिखा हो तो इसका मतलब वो इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इनपुट पे आपको एक ही आंसर मिलेगा। ये थोड़ा बहुत फर्क होता है यहाँ पे, लेकिन नॉर्मली आप इसी से मुराद दे रहे होते हो। कोई इसको स्मॉल लेटर से लिख रहा होता है, कोई इसको कैपिटल से लिख रहा होता है, लेकिन जो अलग फर्क है वो मैंने बता दिया। यूज तो कोई लोग गलत कॉन्सेप्ट भी यूज कर लेते हैं, लेकिन जो मेन फर्क है बता दिया, छोटा एस हो उसका मतलब वो रिलेशन है यहाँ पे, लेकिन कैपिटल एस हो इसका मतलब वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है। आप लोगों का खैर इतना लेना देना नहीं है इससे। खैर आप टेंजेंट पे आ जाओ। टेंजेंट में भी यार ग्राफ बना लेना पूरा, जो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिया है, यहाँ पे भी टेंजेंट का ग्राफ बनता है, यहाँ पे भी टेंजेंट का ग्राफ बनता है, लेकिन हम जो पिक करेंगे ना ग्राफ का हिस्सा, क्योंकि अभी ये 1:1 बाइजेक्टिव नहीं है। जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे ना, जब टेंजेंट का पूरा आप ग्राफ बनाओ, उस पर जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे, अगेन मल्टीपल पॉइंट को वो क्रॉस कर रहा होगा, तो आपने इसको रिस्ट्रिक्ट करना होगा। तो कौन से वाले हिस्से को आप पिक करोगे? अगर आप टेंजेंट का ग्राफ बनाओ तो ये वाला हिस्सा जो है ना, यहाँ पे आपको एक एसिम्प्टोट मिलता है, इसी तरह यहाँ पे आपको एक एसिम्प्टोट मिलता है। तो ये होता है π/2, मतलब -90, सॉरी 90,
और ये होता है माइनस फाइव बाई टू। तो हमने जो टेंजेंट का ग्राफ पिक करना है ना, वो माइनस 90 और 90 के दरमियान पिक करना है, जैसे आपने साइन का पिक किया था। तो ये वाला हिस्सा हम पिक करेंगे। अब अगर आप इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ तो ये बाइसेक्टिंग, तो यहां पे ये कराया जाएगा प्रिंसिपल टेंजेंट फंक्शन, प्रिंसिपल टेंजेंट फंक्शन। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसकी डोमेन क्या है, तो डोमेन यहां पे है माइनस 90 से लेके 90। ध्यान रखना साइन और इसमें फर्क क्या है, साइन जो प्रिंसिपल साइन फंक्शन था ना, उसमें माइनस 90 और 90 शामिल था, इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि आपको पता है टेंजेंट की डोमेन में 90 नहीं आता, क्योंकि 90 पे वो अनडिफाइन हो जाता है। ये ग्राफ कभी भी इस लाइन से मिलेगा नहीं, कॉन्सेप्ट आप लोगों को उसका दिया था जब मैंने ग्राफ का पहली दफा पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 12 का स्टार्ट किया था, कि जो टेंजेंट है ये कभी इस लाइन से मिलेगा नहीं, मतलब टेंजेंट कभी भी 90 से मिलेगा नहीं। तो हमेशा टेंजेंट में जो आपको एंगल पुट कर सकते हो ना, वो 90 आप पुट नहीं कर सकते, 90 से छोटा पुट कर लो, 90 से ग्रेटर पुट कर लो, लेकिन 90 आप पुट नहीं कर सकते। सेम आपको यहाँ पे भी वही चीज होगी। तो दैट्स वाई जो आपने रिस्ट्रिक्ट किया ना, उसमें माइनस 90 और 90 शामिल नहीं, माइनस 90 और 90 के दरमियान सारे एंगल शामिल है, लेकिन माइनस 90 और 90 शामिल नहीं है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाई है, क्योंकि माइनस 90 और 90 शामिल नहीं है। ये फर्क है इसकी डोमेन में और साइन की डोमेन में। साइन की डोमेन भी इसी टाइप की थी, लेकिन वहां पे शामिल थी ये सारी वैल्यूज। और अगर मैं रेंज की बात करूं, तो आपको दिखने में लग रहा है पॉजिटिव एक्स आ रहे हैं, नेगेटिव एक्स आ रहे, तो रेंज इसकी रियल नंबर ही होगी। तभी टेंजेंट इनवर्स के आंसर में, सॉरी अब टेंजेंट इनवर्स की आप बात करो, ये तो प्रिंसिपल टेंजेंट है ना, तो जो टेंजेंट इनवर्स होगा उसमें क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, जो इसकी डोमेन है वो इसकी रेंज होगी, मतलब इसकी रेंज रियल थी तो इसकी डोमेन रियल हो जाएगी। इसी तरीके से जो उसकी डोमेन थी वो इसकी रेंज बन जाएगी, माइनस फाइव बाय टू से लेके फाइव बाय टू। तो टेंजेंट इनवर्स के अंदर आप कुछ भी पुट कर सकते हो, क्योंकि इसकी डोमेन रियल है ना, आप यहाँ पे एक्स की जगह कुछ भी पुट कर सकते हो। कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स में ऐसा नहीं था, कॉस इनवर्स में भी आपको माइनस वन और वन के दरमियान पुट करना था, साइन इनवर्स में माइनस वन और वन के दरमियान पुट करना था, लेकिन टेंजेंट इनवर्स के अंदर आप कुछ भी पुट कर सकते हो, एक्स की जगह कोई भी रियल आप पुट कर सकते हो, और जो आपको आंसर मिलेगा वो हमेशा माइनस 90 और 90 के दरमियान ही मिलेगा। तब कभी आप देखोगे नहीं 90 से ग्रेटर एंगल आपको नहीं मिलेगा, माइनस 90 से छोटा आपको नहीं मिलेगा, हमेशा इस रेंज के अंदर ही आपको एंगल मिल रहा होगा टेंजेंट इनवर्स का। तो इस तरीके से आप डोमेन और रेंज निकालोगे। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, आमतौर पर बच्चे समझते हैं कि जब मैं पुट करूंगा टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी, ये 90 डिग्री भी होता है अगर टेंजेंट, अब अगेन ये गलत कॉन्सेप्ट है, इन्फिनिटी होता नहीं, अनडिफाइंड मैं आप लोगों को कहता हूँ, लेकिन अगर आप गलत ही कॉन्सेप्ट डिस्कस करो तो टेंजेंट 90 पे आपको आंसर इनफाइनाइट मिलता है ना, 1/0 मिल रहा होता है, जिसको आमतौर पर इनफाइनाइट लिखा जाता है। तो अगर टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी लिखा हो ना, तो इसका आंसर 90 लिखा जाता है, लेकिन मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगा। उसकी वजह है कि इन्फिनिटी आप पुट नहीं कर सकते ना, इन्फिनिटी को नंबर नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई एमसीक्यूज में नजर आए ना टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी और उसके आंसर में कोई अनडिफाइंड या कोई ऐसा नहीं लिखा हुआ, तो उसका मतलब आपने 90 डिग्री वहां पे पुट करना, क्योंकि शामिल नहीं है वैसे, वह गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि डोमेन रियल होनी चाहिए ना, इन्फिनिटी कौन सा रियल नंबर है, इन्फिनिटी को रियल नंबर थोड़ी ना। इसी तरह 90 जो है वो रेंज में आता ही नहीं है, क्योंकि जब आपने वैल्यू गलत पुट किया यहाँ पे, तो फिर आंसर भी आपको अजीब ही मिलेगा यहाँ, लेकिन एमसीक्यूज में यूज हो रहा होता है ये। तो अगर कहीं टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी आ जाए, वैसे इसका करेक्ट कॉन्सेप्ट होना चाहिए था ये चीज, कि वो लिख दें कि टेंजेंट इनवर्स अनडिफाइंड कब होता है, ये सिंपल वो पूछ सकते हैं आपसे। तो अनडिफाइंड तो बहुत सारे एंगल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 90, 270, उसके बाद आप फॉर एग्जाम्पल कर लो 450, इन सब पे वो अनडिफाइन होता है, लेकिन हम कौन सा एंगल पिक करते हैं, हम 90 पिक करते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा है ना, तो हम कहेंगे टेंजेंट इनवर्स को हम फंक्शन बनाना है ना हमने, तो एक ही आउटपुट आना चाहिए, तो हम कहेंगे यार अनडिफाइन होता है 90 के ऊपर, पाई बाय टू के ऊपर। करेक्ट तरीका तो ये है सवाल पूछने का, लेकिन नॉर्मली आपको ये भी नजर आएगा टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी, तो वहां पे जाके 90 डिग्री लिख देना, जैसे सवाल आपसे पूछा उसके मुताबिक आंसर दे देना। सही है, अब आखिरी दो रह गए उनको समझते हैं, सॉरी आखिरी तीन रह गए, उसके बाद फिर आप लोगों की छुट्टी हो जाएगी। अच्छा अब आ जाओ इनवर्स कॉट पे, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है उनका, आपने जब मुश्किल चीजें समझ ली है तो अब हो जाएगा। इनवर्स कोटेंजेंट फंक्शन, कॉट जिसकी फुल फॉर्म होती है कोटेंजेंट। अब इसकी क्या काम करते हैं, सबसे पहले तो आपको रिस्ट्रिक्ट करना है। अगर आप कॉट का ग्राफ देखो ना, तो कॉट का ग्राफ काफी टेढ़ा मेढ़ा होता है, दिखा देता हूं आप लोगों को, कॉट का ग्राफ इस टाइप का होता है, आपको एक एसिम्प्टोट मिल रहा है, एक एसिम्प्टोट वाई एक्सिस के ऊपर है, इसी तरीके से दोबारा इसको ऐसे ही बना दो, एक एसिम्प्टोट यहां पे मिल रहा होगा, इसी तरह यहां पे बनेगा ये,
एकदम, ये कॉट का पूरा ग्राफ होता है। पॉइंट्स क्या होते हैं, ये जो है जीरो है, जो है ये 90 होता है, पाई बाय टू यहाँ पे होता है पाई। इसी तरीके से ये है -90, ये होता है -पाई। अगर आप लोगों को शौक हो तो आप इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना, कॉट का ग्राफ, आपको जो है बताई हुई है ना मैंने, वहां पे कॉट एक्सपोर्ट करना, आपको ग्राफ मिल जाएगा। ग्राफ आपको ये लाइन ही दिखाएगा, ये लाइन नहीं आपको दिखा रहा होगा, बस ये एक्स एक्स, ये वाई एक्सिस वाली लाइन आपको दिखा देगा, बाकी लाइन आपको नहीं दिखाएगा, लेकिन बाकी कॉट का ग्राफ आपको इस तरीके से नजर आ जाएगा। तो अगेन वही बात, अगर आप हॉरिजॉन्टल, जैसे टेंजेंट होता है ना, टेंजेंट में आपको 90 -90 इस पे लाइंस मिल रही होती हैं, लेकिन कॉट के अंदर आपको 0 180 इस पे लाइंस मिलती हैं, कि 0 डिग्री पे आपको एक लाइन मिल रही है, इसी तरीके से 180 पे, जिसको एसिम्प्टोट सम कहते हैं, 180 पे आपको एक लाइन मिल रही है, इसी तरह -180 पे आपको एक लाइन मिल रही है, कॉट में इस तरीके से हो रहा होता है। खैर ये इसका ग्राफ होता है। तो अगर आप अभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ तो वो एक से ज्यादा पॉइंट पे क्रॉस कर रहा होगा, जैसे आप लोगों को पता है, तो आपने कोई एक हिस्सा पिक करना है। तो भाई यहाँ पे हम वही कॉस वाला काम करेंगे, जैसे कॉस में आपने पिक किया था ना 0 से लेके 180 वाला, तो हम भी यहाँ पे प्रेफर करेंगे 0 से लेके 180 का ये जो पूरा हिस्सा है ना, हम इसी को प्रेफर करेंगे, इसी को पिक करें, बाकी जो है उन हिस्सों को आपने हटा देना है। इस वाले को हटा दो, इस वाले को आप हटा दो, ये दरमियान में 0 से लेके 180 तक जो है ना, इसको आप पिक करो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रिंसिपल जो कॉट है उसकी डोमेन रेंज क्या है, तो डोमेन आपको नजर आ रही है 0 से लेके पाए, जिसमें 0 भी शामिल नहीं है, पाए भी शामिल नहीं है, क्योंकि देखो 0 पे भी एसिम्प्टोट मिल रहा है, ये ग्राफ कभी भी मिलेगा नहीं इससे, 0 पे नहीं आपसे मिलेगा, इसी तरह ग्राफ कभी भी 180 से नहीं मिलेगा, फर्क रहेगा इनके अंदर, तो दैट्स व्हाई 0 और पाए शामिल नहीं है यहाँ पे। और अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे इसकी रेंज बताओ, तो रेंज इसकी भी रियल नंबर है, आप देखो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे भी है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे भी है, तो रेंज इसकी रियल नंबर है। तो ये प्रिंसिपल कॉट है। अब आपने इसका इनवर्स निकालना है, मतलब कॉट इनवर्स एक्स की, अब डोमेन क्या होगी, जो इसकी रेंज थी, इसकी रेंज रियल थी, तो कॉट इनवर्स की डोमेन क्या हो जाएगी, रियल हो जाएगी। इसी तरीके से इसकी रेंज क्या होगी, जो इसकी डोमेन थी, इसकी डोमेन थी 0 से लेके पाए, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0 से लेके पाए। तो दैट्स वाई कॉट इनवर्स के आंसर में हमेशा आपको 0 से लेके पाए मिल रहा होगा। अब ये अलग सवाल है कि कॉट इनवर्स का बटन कैलकुलेटर में नहीं है, तो कॉट इनवर्स की कैसे वैल्यू निकालोगे, इंशाल्लाह कल हम डिस्कस कर लेंगे। आज ये जो टॉपिक है ये तो हम साइड पे करें ना, बड़ा मुश्किल टॉपिक है ये। तो ये आपको, ये पूरा मैं टेबल समझा रहा हूँ आपको, अगर आप देखो ये टॉपिक खत्म होने के बाद ना 12 वैल्यूज दिखी हुई है। एक है प्रिंसिपल फंक्शन की डोमेन रेंज, अब देखो 12 6 फंक्शन है, के डोमेन 6 की रेंज, तो 12 ये हैं, प्लस इनके इनवर्स की डोमेन रेंज, तो 12 वो हो जाएंगे कि जितने भी 6 इनवर्स फंक्शन है उनकी डोमेन और उनकी रेंज, तो टोटल 24 चीजें आपको याद रखनी है यहाँ पे, डोमेन रेंज डोमेन रेंज। तो रट्टे कैसे मारोगे उसके, पॉसिबल ही नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट आता होगा तब बता सकते हो, वरना 24 चीजों के रट्टे नहीं मार पाओगे। और इसके साथ आप उसको भी शामिल कर दो जो आपने पहले पढ़ा था, नॉर्मल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, इनकी डोमेन रेंज। एक तो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, एक प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो 12 यहाँ पे याद रखोगे, 12 यहाँ पे याद रखोगे, 12 यहाँ पे याद रखोगे, 36 वैल्यूज कैसे याद रखोगे, नहीं हो सकती। तो अगर कॉन्सेप्ट आता होगा कि कॉट का ग्राफ किस तरीके से बनता है, अच्छा कॉट के कौन से हिस्से को आप रिस्ट्रिक्ट करके प्रिंसिपल बनाते हो, और फिर इनवर्स कैसे बनता है, अगर ये कॉन्सेप्ट याद होगा तो ये 36 वैल्यूज याद होंगी, वरना याद नहीं होंगी। 12 आप लोग पहले पढ़ चुके हो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 12 के अंदर शुरू में, और 24 वैल्यूज आप यहाँ पे पढ़ोगे, 12 प्रिंसिपल की और 12 जो है वो इन्वर्स की आप पढ़ रहे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता, जैसे 4 वैल्यूज आपने यहाँ पे देखी ना, 2 और ये 4, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट आता होगा तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप आपस में इंटरचेंज करके कॉन्सेप्ट से आसानी से इनको याद कर सकते हो, रट्टे की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको यहाँ पे। तो अब हम सीकेंट की बात करते हैं, इनवर्स सीकेंट फंक्शन, उसको हम कैसे मालूम करेंगे। अगेन सबसे पहले सेक का ग्राफ आपको बताना चाहिए ना, वाई इज इक्वल टू सेक एक्स का बेसिक ग्राफ क्या होता है, तो वाई इज इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ क्या होगा, अच्छा सेक होता है 1/cos, तो जो टेंजेंट पे हो रहा होगा इसका भी वही होगा, हाँ इस टाइप का बनेगा। कंसीडर कर लो ये वैल्यू 1 है, आपको इस टाइप के ना कप मिल रहे होंगे, एक कप इस तरह मिलेगा, आपने जिंदगी में कभी सेक का ग्राफ अभी तक नहीं देखा होगा ज्यादातर स्टूडेंट ने, तो एक कप आपको इस तरह मिलेगा, और ये जैसे ऊपर मिला यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा, कंसीडर कर लो ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू होगी -1, तो इसी की रेंज में आपको एक कप यहाँ पे मिलेगा इस तरीके से, अच्छा इसी तरह डेजर्ट बनेगी, एक चीज आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आप इसको जो मैंने ऐप बताई हुई ना डेस्मोस की, उसमें जरा सेक एक्स लिखना,
इसी टाइप की आपके पास फालतू डायग्राम आ रही होगी, ये सेक एक्स का ग्राफ होता है। एक आपको ऊपर मिलेगा, फिर नीचे मिलेगा, फिर ऊपर मिलेगा, फिर नीचे मिलेगा, और इसको पीछे भी ले जाओ, ये सेक एक्स का ग्राफ है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था सेक एक्स की डोमेन, तो मैंने आप लोगों को वहां पे समझाई थी। अगेन मसला कहाँ पे होता है, 90 डिग्री पे मसला हो रहा है, फाइव बाय टू पे। इसी तरह ये होता है 370, इसी तरीके से -5/2। तो डोमेन तो मैंने वहां पे डिटेल में समझाई थी कि ये एसिम्प्टोट्स मतलब कहाँ कौन कौन सी वैल्यूज पे मसला होता है सेक के अंदर, तो चैप्टर नंबर 12 के स्टार्ट में आप लोग देख लेना। तो वहीं पे मैंने बताया था सेक की रेंज क्या होती है, या तो आपको 1 से ग्रेटर आंसर मिलता है या -1 से कम मिलता है। ये आप ग्राफ से भी देख सकते हो, देखो या तो आपको 1 से ग्रेटर मिल रहा है, तो -1 से ग्रेटर नीचे मिल रहा है। अगर आप देखो 1 और -1 के दरमियान आपको कोई ग्राफ नजर नहीं आ रहा, ये वो रीजन है 1 और -1 के दरमियान आपको कोई ग्राफ नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। या तो 1 से ग्रेटर है या -1 से नीचे आपको सारे ग्राफ मिल रहे हैं। ये सब नीचे तक जाएंगे, रुके नहीं है, ये सब नीचे तक आप ले जाओ इनको। इसी तरह नीचे जा रहे हैं सारे, इसी तरह ये ऊपर जा रहा है, लेकिन 1 और -1 के दरमियान आपको कोई आंसर नहीं मिलता सैक का। ठीक है, तो ये सिंपल सैक का था। अब आप लोग खुद देख के बता सकते हो हम यहाँ पे कौन सा हिस्सा पिक करें, हमने इसको रिस्ट्रिक्ट करना है, तो कहाँ से लेके कहाँ तक पिक करें हम। यार जीरो इतना तो बता दो, 0 to π, 180 पाई एक्सीलेंट। फिर ये वाला पॉइंट जो है ना, ये यहाँ पे पाई होगा, इसी तरह ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे -π। आमतौर पर बच्चे क्या करेंगे, अगेन गलती करेंगे, -90 से लेके 90 पिक कर लेते हैं, सर आसान होगा। लेकिन वही मसला, अगर आप -90 से लेके 90 पिक करोगे तो ये वाला हिस्सा आएगा, और आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे, बाइसेक्टिव तो ना हुआ क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन 2 पॉइंट पे क्रॉस कर दिए। आपने वो वाला हिस्सा पिक करना है जिसपे हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही पॉइंट को क्रॉस करे, तो वो हिस्सा क्या है, आप पिक करो 0 से लेके π तक। बताता हूँ, 0 के बाद इस टाइप का एक पॉइंट है, यहाँ पे आपको एक एसिम्प्टोट मिल रहा है, और ये 1 है तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा होगा इस तरीके से, एक अब आपको नीचे मिल रहा है। ये वाला है -90 और ये वाला पॉइंट है 180। तो अगर आप देखो 0 से लेके 180 तक, मतलब ये 0 है ना, बाकी आप ग्राफ को मिटा दो, ग्राफ का हमें कोई ताल्लुक नहीं है, तो 0 से लेके 180 से पहले पहले तक, मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, 0 से लेके 180 तक ये ग्राफ है, एक ऊपर बन रहा है एक नीचे बन रहा है, जो मैंने इस तरह बनाया था। आपने बस इसको पिक करना है, क्योंकि इस रीजन में जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो वो एक ही पॉइंट पे क्रॉस कर रही है। अगर आप कोई और हिस्सा पिक कर लोगे, फॉर एग्जाम्पल 0 से लेके ये पिक कर लिया, तो अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन 2 पॉइंट पे क्रॉस कर दी होगी। तो हम कौन सा हिस्सा पिक करते हैं, 0 से लेके π वाला पिक करते हैं, इस वाले हिस्से में कोई मसला नहीं होगा आपको। तो अब ये क्या फंक्शन है, इसको आप बोलोगे प्रिंसिपल सीकेंट फंक्शन, क्योंकि आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी ना, तो ये प्रिंसिपल सीकेंट फंक्शन कहलाता है। तो अगर मैं आपको बोलूँ यार मुझे इसकी डोमेन बताओ, तो आपको देखने में लग रहा है डोमेन है 0 से लेके π, इसमें 0 भी शामिल है, क्योंकि देखो ग्राफ आपका 0 पे भी है ना, और ग्राफ आपका π के ऊपर भी है, तो 0 और π दोनों शामिल है। लेकिन मसला है यहाँ पे 90 शामिल नहीं है, यहाँ पे जो π/2 है ना, 90 शामिल नहीं है। देखो आपका ग्राफ कभी भी इस लाइन से मिलेगा नहीं, अलग रहेगा, एसिम्प्टोट यही तो होता है। एसिम्प्टोट वो लाइन होती है जो ग्राफ उस लाइन के पास होता है लेकिन मिलता नहीं है, तो ये ग्राफ कभी भी इस लाइन से मिलेगा नहीं, ये -90 सॉरी ये 90 डिग्री से पहले पहले तक होगा। इसी तरह ये वाला जो हिस्सा है, ये भी कभी इस लाइन से मिलेगा नहीं। कहने का मतलब 90 डिग्री जो है वो इसके डोमेन में शामिल नहीं है, आप सेक फंक्शन के अंदर 90 डिग्री नहीं पुट कर सकते। तो जो हिस्सा आपने पिक किया है ना, उस हिस्से में भी 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब 90 डिग्री आप पिक नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाय टू, एक्स मतलब डोमेन होता है ना, तो डोमेन आपकी 0 से लेके π है, जिसमें 0 भी पुट कर सकते हो π भी, लेकिन इसी रेंज के अंदर एक आ रहा है π/2, पुट नहीं कर सकते क्योंकि π/2 पे आपका फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो 0 से लेके 180 तक सारे एंगल्स, बस 90 को निकाल दो, बाकी सारे एंगल्स इसकी डोमेन बन जाएगी। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे रेंज की बात करूँ, तो रेंज तो अभी भी वही है कि 1 से ग्रेटर आपको आंसर मिलेंगे या -1 से छोटे आपको आंसर मिलेंगे। अब इसको लिखने का तरीका है कि रेंज को वाई वैल्यू से आप लिखते हो ना, तो वाई वैल्यू या तो आपको 1 से ग्रेटर मिलेगी या वाई वैल्यू आपको -1 से कम मिलेगी। 1 भी मिल सकती है, -1 भी मिल सकती है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 1 और -1 के दरमियान आपको कुछ मिले, ऐसे कुछ नहीं आपको मिल सकती। या तो 1 से ग्रेटर या 1, या -1 से छोटी या -1 के बराबर, ये कहलाएगा प्रिंसिपल सीकेंट फंक्शन। तो अगर मैं आपको इनवर्स की बात करूं, तो आप उल्टा कर दो, सेक इनवर्स क्या हो जाएगा, जो इसकी रेंज थी ना वो इसकी डोमेन बन जाएगी। डोमेन को आप एक्स से लिखते हो ना, तो जो यहाँ पे आपने वाई के साथ लिखा हुआ था ना, बस उसको एक्स के साथ लिख दो,
वेरिएबल का फर्क होता है ना, यहाँ पे रेंज के लिए आप वाई का वेरिएबल यूज करते हो, डोमेन के लिए आप एक्स का यूज करते हो, तो जो आपके फंक्शन की रेंज थी वो उसके इनवर्स की क्या बन गई, डोमेन बन गई। तो कहने का मतलब सेक, अब अगेन अगर आप कैलकुलेटर में ये चीज पुट करोगे एरर आ जाएगा, 0.5 पे डिफाइन ही नहीं है, क्यों, क्योंकि आप इसके अंदर या तो 1 से ग्रेटर पुट करो या -1 से छोटा पुट करो, 0.5 तो 1 से छोटा होता है, आप पुट ही नहीं कर सकते, तो मैथ एरर आ जाएगा। अब ये पुट कैसे करना है कैलकुलेटर में, ये फिलहाल आपको भी समझ नहीं आएगा क्योंकि सेक इनवर्स का बटन नहीं है, ये कल डिस्कस करेंगे, लेकिन सेक इनवर्स में या तो 1 से ग्रेटर आप पुट करोगे या -1 से छोटा पुट करोगे। और रेंज क्या आएगी इसकी, जो इसकी डोमेन है, इसकी डोमेन थी 0 से लेके पाए, तो इसकी रेंज हो जाएगी 0 से लेके पाए, अगेन 90 नहीं आपको मिलेगा, तो y नॉट इक्वल टू 90। कहने का मतलब sec इनवर्स के अंदर आप कुछ भी x पुट करोगे ना तो आपको आंसर 0 और 180 के दरमियान मिलेगा, लेकिन 90 नहीं मिल रहा होगा उसमें, 90 शामिल नहीं है, 0 से लेके 180 में सब आपको मिलेगा लेकिन 90 नहीं आपको मिलेगा, ये इसकी रेंज बन जाएगी इसके इनवर्स की। ठीक है, तो ये पांच आपने पढ़ लिए, अब आखिरी रह गया वो है इनवर्स कोसेकेंट फंक्शन। सेम इसी किस्म का कॉन्सेप्ट है कोसेकेंट के अंदर, बस 19-20 का फर्क है इसके ग्राफ के अंदर। जैसे इसके ग्राफ में ये वाई एक्सिस के बिल्कुल दरमियान बनता था ना, अब ये जो कब पूरा बन रहा है ना, ये कब अब थोड़ा साइड पे बनेगा इस तरीके से, कंसीडर कर लो वैल्यू अगर 1 है ना तो इस तरीके से मिलेगा आपको, पहले ये कप ना इस तरह मिलता था दरमियान में, अब इस कप को उठा के आप थोड़ा यहाँ पे लेकर, तो सेकंड का ग्राफ इसी तरह बन रहा होता है, तो एक एसिम्प्टोट तो आपको वाई एक्सिस पे मिल रहा है, एक आपको यहाँ पे मिलेगा, अब मजीद आप बना सकते हो, कंसीडर कर लो ये वैल्यू 1 है ना और ये वैल्यू कंसीडर कर लो -1 है, तो एक आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस तरीके से, एक यहाँ पे मिल जाएगा, फिर आपको एक एसिम्प्टोट यहाँ पे मिलेगा, इसी तरीके से एक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आप कोसेकेंट का ग्राफ बनाओ तो इस तरीके का ग्राफ आपको नजर आएगा, बस इसमें इसमें फर्क ही वही है कि मैंने बताया कि इस शेप को ना उठा के आप साइड पे लेता इस तरीके से, तो अब इस पे एक्स एक्सिस पे मार्किंग करो तो ये पॉइंट होता है 0, ये बिल्कुल आपको मिलता है 90 के ऊपर, और ये वाला पॉइंट होता है 180 होता है। तो इसी तरीके से ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट कंसिडर कर लो पाए के बाद है ना, तो ये हो जाएगा 3π/2 मतलब 270। इसी तरीके से अगर आप नेगेटिव की मार्किंग करो तो ये तो 0 है, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा -90, ये वाला पॉइंट हो जाएगा पाए, ये पूरा ग्राफ होता है कोसेकेंट फंक्शन का। तो अगेन आप कौन सा वाला हिस्सा पिक करो कि बाइजेक्टिव बन जाए, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को पास कर ले, आप ये वाला हिस्सा तो पिक नहीं कर सकते क्योंकि जब हॉरिजॉन्टल बनाओगे तो एक लाइन 2 पॉइंट पे क्रॉस कर रही होगी, तो आप यहाँ पे कौन सा हिस्सा पिक करोगे आपकी मर्जी है, या तो आप 90 से लेके 270 तक ये वाला हिस्सा पिक करो, ये वाला और ये वाला, लेकिन अगेन 90 से लेके 270 मजा नहीं आएगा, तो हम इसको साइन की तरह कंसिडर करेंगे, -90 से लेके 90 के दरमियान पिक करेंगे, मतलब ये वाला हिस्सा मिटा दो, ये वाला पूरा मिट जाएगा इसी तरीके से, ये वाला मिटा दो पूरा, तो -90 से लेके ये -90 है और ये 90 है, बस इस रीजन के दरमियान जो ग्राफ है ना उसी को आप पिक कर रहे हो, तो मतलब मैं नीचे बना देता हूँ, ये रीजन इस तरीके से आएगा, कंसीडर कर लो ये 1 है तो इस तरीके से, और अगर ये -1 है, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट पूरा है 90 मतलब π/2, इसी तरीके से यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, आप इस तरह ड्रॉ कर दो, ये वाला पॉइंट है -π/2, तो ये ग्राफ का ऐसा है जो आपने कंसीडर करना होता है प्रिंसिपल कोसेकेंट फंक्शन के अंदर, इस वाले ग्राफ को बस आपने देखा है, तो ये कहलाएगा फंक्शन। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसकी डोमेन क्या है, तो अगेन आपको नजर आ रहा है -90 से लेके 90, 90 से लेके 90, लेकिन अगेन इसमें 0 शामिल नहीं है क्योंकि आप देखो 0 पे आपको एसिम्प्टोट मिल रहा है, ये आपका ग्राफ कभी भी वाई एक्सिस से मिलेगा नहीं, मतलब 0 है ना ये मिलेगा नहीं, इसी तरीके से नीचे वाला कभी भी वाई एक्सिस से मिलेगा नहीं, फर्क रहेगा इसके अंदर, तो 0 डोमेन के अंदर नहीं आता, आप कोसेकेंट के अंदर 0 नहीं पुट कर सकते, आपको पता है एरर आ जाएगा, जो कोसेक फंक्शन है उसके अंदर आप 0 पुट नहीं कर सकते, 0 शामिल ही नहीं होता डोमेन के अंदर, तो दैट्स वाई -90 से लेकर 90 लेकिन इसके अंदर 0 शामिल नहीं है, तो मैं लिख रहा हूँ कि एस नॉट इक्वल टू 0, -90 और 90 के दरमियान कुछ भी पुट कर लो लेकिन 0 आप पुट नहीं कर सकते, और रेंज तो वही है जो आपने सेक की पढ़ी थी, ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन -1 होगा, इसके अंदर भी अगेन वही कॉन्सेप्ट है, या तो 1 से ग्रेटर आपको मिल रहा है या -1 से लेस आपको मिल रहा है, और आखिरी चीज इसका इनवर्स y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, अगेन डोमेन क्या होगी जो इसकी रेंज है, रेंज क्या होगी जो इसकी डोमेन है,
इसकी डोमेन है माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू, जिसमें जीरो शामिल नहीं है। मैं लिख देता हूँ कि वाई नॉट इक्वल टू जीरो, तो जो उसकी डोमेन थी वो आपने इसकी रेंज बना दी। ये बच्चों मैंने टोटल 24 चीजें आपको समझाई हैं। ये जितना मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया ये मिल जाएगा आपको। ये सब पेज नंबर कहाँ पे समझाया हुआ उन्होंने, ये पेज 369 से समझाना स्टार्ट उन्होंने किया था, डिटेल में पूरी बातें बता के कहाँ पे खत्म किया उन्होंने। ये खत्म किया उन्होंने पेज नंबर 374 पे, और 374 और 375 पे आपको दो अदर टेबल नजर आ रहे हैं। ये टेबल मैंने पूरे आप लोगों को समझाए। तो अगर 374 पे देखो टेबल क्या लिखा हुआ है, डोमेन एंड रेंज ऑफ प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, छह प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनके डोमेन रेंज उन्होंने डिस्कस की है। नोटेशन का थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है उसकी मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था साइन के अंदर कि साइन की डोमेन होती है माइनस 90 से लेकर 90, यही बताई थी ना, बुक वालों ने इसको इस तरह लिखा है। तो एक ही बात है, दोनों नोटेशन का फर्क है ना। इसका मतलब क्या है कि एक्स जो है वो आपका माइनस 90 और 90 के दरमियान होना चाहिए, जिसमें माइनस 90 भी शामिल है 90 भी शामिल है। बुक वाले ने इसको इस नोटेशन में लिखा हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नोटेशन उन्होंने ये वाली यूज की हुई है, मैंने ब्रैकेट वाली यूज की हुई थी, बाकी आप देखो कोई फर्क नहीं है। सारी बातें जो मैंने डिस्कस की हुई थी वो सारी आपको पेज नंबर 374 पे नजर आ रही है, इसको वेरीफाई भी कर लेना, कोई पॉइंट ना समझ आए तो पूछ लेना। इसी तरह मैंने आप लोगों को बोला था रेंज जो है वो माइनस 1 से लेके 1 है, ये रेंज होती है। तो बुक वालों ने इस चीज को कैसे लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा है, रेंज मतलब y वैल्यू जो है आपकी वो माइनस 1 से ग्रेटर और 1 से कम, एक ही बात है। और पेज 375 पर उन्होंने टेबल बनाया हुआ है जिसकी हेडिंग है डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जो जो मैंने आपको बातें बताई थी ये सब आपको इस पेज पे नजर आ रही है। अब अगर आप रट्टा मारते हैं तो पॉसिबल ही नहीं होता, कंफ्यूज कर देते आपको। कॉन्सेप्ट सारा डिस्कस किया तो 24 वैल्यू ये हैं, और बाकी जो मैंने बताया था ना शुरू में आपको, जो आपको मिल रही है 12.1 के अंदर, वो वाला टेबल भी आपको याद होना चाहिए। वो आपको मिलेगा 338 पे, 338 पे सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना उनकी डोमेन रेंज मेंशन की है। तो ऑल टुगेदर 36 वैल्यूज हैं, कॉन्सेप्ट पता होगा तो आसानी से कर लोगे। इसी तरीके से पेज नंबर 375 पे उन्होंने कॉन्सेप्ट लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो मैंने आपको बता दिया इनवर्स को कैसे ड्रॉ करना है, साइन के अंदर मैंने बताया था कि इनवर्स का ग्राफ आप कैसे ड्रॉ करोगे। तो उन्होंने हर इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ, आप इसको स्किप कर दो, जरूरत नहीं है, इसके आगे सवाल भी नहीं है। हाँ सवाल भी नहीं है। तो ये जो हेडिंग है ना इनकी पेज नंबर 375 के बाद 376 377, तो ये आप लोग सब स्किप कर देना। ग्राफ ड्रॉ करने का आपको तरीका पता है, कॉन्सेप्ट भी मैंने दे दिया था कि y इज इक्वल टू x के अबाउट आपने इसको रिफ्लेक्ट करवाना होता है, तो कोई नई चीज नहीं है। बाद में कभी मौका मिला तो पढ़ लेना, अभी टाइम जाया ना करो उसके ऊपर, कोई समझता नहीं है। इंशाल्लाह कल की क्लास में जो टॉपिक है ना प्रूव द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूला और जो 12.4 है ये इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे, और फिर इंशाल्लाह अगली क्लास जो होगी उसमें 12.5 कंप्लीट हो जाएगी।